आप में से कोई 10 साल बाद इंशाल्लाह बैठा होगा, वो अपने 10 साल जूनियर्स को गाइड कर रहा होगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जमाने में बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं थी, दैट वॉज देयर. और आई सल्यूट मिस्टर एहसान, सर एहसान, क्योंकि सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, बाय गॉड, मैंने यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि 2012 में मैंने CCNA किया था, तो उस वक्त मैंने यहाँ पे 1500 दिरम्स का CCNA किया था. लाइक मैं 1500 दिरहम्स, एंड दैट वाज नॉट सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी. और अगर सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी से उस वक्त मैं करता 2011-12 में, यूएई से मैं CCNA करता, तो वो उस वक्त मुझे पड़ रहा था तकरीबन 5 से 6 हज़ार दिरहम. एंड एट दैट वेरी टाइम 2011 में जो रुपी एंड यूई कन्वर्जन थी, दैट वाज ऑलमोस्ट 20-25 रुपीज का था 1 दिरहम, समथिंग लाओ 20. तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 या 5,000 कर दें तो 1 लाख रुपया था. सो आई डोंट नो व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेप्स और व्हाट आर द फाइनेंशियल ब्रेकडाउन ओवर देयर फॉर द सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, लेकिन आई होप के पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुताबिक होगा. और और यू आर ब्लेस्ड कि आप लोग पाकिस्तान की सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी से आप लोग अगर कुछ करके आते हैं और अपने अपने स्टूडेंट करियर में करके आते हैं, बिकॉज मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन के 3-4 साल बाद किया था. सो अगर आप लोग अभी कर लेते हैं तो जो टाइम मेरा 3-4 साल में जाया हुआ है वो आप लोगों का बच जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड. सेकेंडली, लेट्स स्टार्ट विद दी एग्जिस्टिंग ICT डिजाइंस. और मैं आपको इस एजेंडा पे या यहाँ पे आप लोगों का अगर कोई भी फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम. जस्ट से मी एक्सक्यूज मी एंड जस्ट गो ऑन विद योर क्वेश्चन एट एनी टाइम. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो राइट नाउ. एनी वन? नो सर। ओके 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 फाइन फाइन. ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जिस्टिंग ICT एंड डिजाइंस व्हाट वी हैव. एग्जिस्टिंग ICT किस जगह पे स्टैंड कर रही है, और टिपिकली एंटरप्राइज नेटवर्क्स जो है वो किस जगह किस तरह के होती हैं. एग्जैक्टली उस तरह के नहीं होंगे, लेकिन जस्ट आप लोगों के लिए स्टूडेंट लेवल पे समझने के लिए किस तरह से होते हैं, दैट विल आई विल जस्ट शेयर विद यू गाइस. अच्छा, एग्जिस्टिंग जो ICT है उसके डिफरेंट वर्टिकल्स हैं. बाय वर्टिकल्स आई मीन स्पेशलाइजेशंस हैं. सो राउटिंग, स्विचिंग एंड वायरलेस बजाते खुद एक स्पेशलाइजेशन है, लाइक MBBS है. और ऑन टॉप ऑफ दैट जस्ट लाइक जर्नल सर्जरी या जर्नल मेडिसिन कह लें आप, तो उस तरह अगर आप कह लें, या इंजीनियरिंग के उसमें आप कह लें तो BS आपने कर लिया, और वहां पे ऊपर आपने MSc इन इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कर ली, या MSc इन एंटेनाज कर लिया. एंटेनाज में तो नहीं होती, उसमें PhD होती है. माइक्रोवेव्स हो गई, जस्ट लाइक दैट. सो द वर्टिकल इज राउटिंग एंड स्विचिंग इन दी एज फॉर एज द नेटवर्किंग इज कंसर्न. फिर उसके बाद फिर उस ये आपका कोर नेटवर्क होता है, जो कि आपकी मोस्टली कस्टमर्स जो है वो कोर नेटवर्किंग जो है वो इसकी बेसिस जो है वो आपकी राउटिंग, स्विचिंग एंड वायरलेस एनवायरनमेंट में होती है. जैसे आपने देखा होगा, आपकी आपका जो इंटरनेट चल रहा है इन योर UET, UET में अगर आप जाते हैं, आई डोंट नो वेदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अभी जो बड़ी सी एक कंप्यूटर लैब थी वो अब एग्जिस्ट करती है. एहसान साहब, सर, एनीवन? UET की जो वो नेटवर्किंग वो है ना लैब, अभी भी एग्जिस्ट बिल्कुल करती है ना, है जी, है सही, जी, ग्राउंड फ्लोर पे. जी सो बिल्कुल उसमें उसमें अगर आप जाएं तो आप पे का जो कंप्यूटर है वो एक वायर से कनेक्टेड होता है. सो दैट इज स्विचिंग. उसको पीछे राउट किस तरह किया जाता है, वो इंटरनेट की तरफ किस तरह से जाता है, दैट इज द राउटिंग स्टफ.
वायरलेस जो भी आपका मोबाइल इक्विपमेंट है, आई थिंक वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स जो है वो आपके यूईटी में अभी लगे होंगे। जब मैं वहां पे था तो बिल्कुल, उस वक्त तो नहीं थे वो। इट्स ऑल वायरलेस नाउ, नो हाँ, वायर्स नो वायर्स। ओके, ग्रेट जी। ग्रेट इवन ग्रेट, वी ऑसम। आर ऑन ए ईडीरोम वेयर इन द होल यूनिवर्सिटी यू कैन मूव, हाँ और हाँ द फैसिलिटी इज इवन दैट, इवन इफ यू गो टू द इस्लामिया कॉलेज और यू गो टू द पेशावर यूनिवर्सिटी, तो यू हाँ कैन वर्क विद द सेम सेम अकाउंट एज इट इज अवेलेबल इन यूरोप। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन। सो ग्रेट एफर्ट सर, हैट्स ऑफ। सो उसके बाद फिर तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपका एक कैंपस नेटवर्क जो है उसको बिल्डअप करता है। सेकेंडली, यू हैव द सिस्टम इन स्टोरेज। जो भी आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है वो जाके कहीं पे स्टोर हो रहा होता है, जिससे स्विचेस जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज अ मैकेनिज्म। तो उसमें आपका जो सिस्टम एंड स्टोरेज है वहां पे यूजर नेम पासवर्ड पड़ा हुआ होता है, और वो एक अलग से फील्ड है। दोज पीपल आर कॉल्ड द सिस्टम इंजीनियर्स। जिस तरह के राउटिंग एंड स्विचिंग के लोग होते हैं वो नेटवर्क इंजीनियर्स कहलाते हैं, तो जो विंडोज के इंजीनियर्स होते हैं वो सिस्टम इंजीनियर एंड स्टोरेज इंजीनियर्स कहलाते हैं। ये बेस लाइन है, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं स्टोरेज में, आप डीप जाते जाते हैं। स्टोरेज इज अ बिग फील्ड, लाइक सेपरेटली सेपरेट फील्ड। उसके बाद फिर एक और वर्टिकल आता है, आईपी टेलीफोनी। आई होप कि आईपी टेलीफोनी जो है सिस्को का हो, या अवाया का हो, या और कोई हो, ग्रैंड स्ट्रीम के हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनके आईपी टेलीफोनी जो है विद इन द कैंपस आप कॉल कर सकते हैं। आई होप वो होगा वहां पे। उसके बाद फिर नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाती है आपकी, फायरवॉल, बिकॉज द इंटरनेट, देर इज अ बैरियर बिटवीन योर फायरवॉल, बिटवीन योर इंटरनेट एंड एंड दी कैंपस, जो कि आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी के थ्रू कवर होती है। दैट इंक्लूड्स द फायरवॉल्स। फिर वीपीएन होते हैं उसमें, नैक होता है। नैक इज अ बिट डिफरेंट स्टफ, वो मैंने जस्ट लिख दिया है, लाइक आपको इस लेवल पे समझ नहीं आएगा। ईमेल गेटवेज, आपकी ईमेल जो है उसमें वायरस अगर आ जाए तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। फिर वेब प्रॉक्सी इज अ सेपरेट स्टोरी। लोड बैलेंसर्स मोस्टली स्टोरेजेस और सर्वर्स के साथ काम करते हैं, बट दैट इज पार्ट ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि सर्वर्स एंड स्टोरेजेस को जब सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है तो लोड बैलेंसर्स उस पर काम करते हैं। फिर उसके बाद आपका डेटा सेंटर आ जाता है, कोर नेटवर्क, जिस तरह की आईएसपी है। डेटा सेंटर एंड एंड सर्विस प्रोवाइडर, दोज आर सैंडविच टुडे, लाइक हैंड टू हैंड ये जाते हैं, लाइक इनका बिल्कुल मियाँ बीवी वाला रिश्ता है ये। और इनकी मजे की बात ये, मियाँ बीवी की तलाक हो सकती है, लेकिन आज के दौर में और अगले 10 साल में सर्विस प्रोवाइडर और डेटा सेंटर की तलाक नहीं हो सकती, लाइक दैट्स फॉर श्योर। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप जाते हैं पीटीसीएल के ऑफिस में और अगर आप पहुंचते हैं उनके बैक एंड में, तो बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क लगा हुआ होता है, और बैक एंड पे आपका डेटा सेंटर सारा लगा हुआ होता है। और किस तरह से सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी होती है, दैट इज ऑल अबाउट द राउटिंग, स्विचिंग, बीजीपी, एमपीएलएस, इंटरनेट स्टफ। आपको इंटरनेट, एक तो ये है ना कि आपका कैंपस में इंटरनेट कहीं से आया, ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, इंटरनेट आपको देता है। तो हु इज द प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, एंड हु इज द कंज्यूमर, यू आर द कैंपस यूजर। अभी तक के इन 6 वर्टिकल्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आस्क। आईपीटी में ना पूछिएगा, क्योंकि आईपीटी इज नॉट माय स्पेशलिटी। सो एनीवन एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? इफ नॉट वी कैन प्रोसीड। एनीवेज, लेट्स गो फॉरवर्ड। ये टिपिकल नेटवर्क डिजाइन है ऑफ द कैंपस नेटवर्क, जो कि एग्जिस्ट करता था आज से तकरीबन 10 साल पहले मे बी। और उसमें उसमें आपके ऑन प्रेमिसेस आपकी वेबसाइट भी होती थी, ऑन प्रेमिसेस आपका लोकल सर्वर्स भी एग्जिस्ट करते थे, आपकी आपकी कनेक्टिविटी बिटवीन द ब्रांच एंड द हेड ऑफिस जो है वो
राउटर्स के थ्रू होती थी, टू द इंटरनेट फायरवॉल के थ्रू होती थी। उसके बाद आज से तकरीबन 5 से 7 साल पहले जो है वो नेटवर्क डिजाइन इस तरह से हो गया कि जितने भी ऑन प्रेमिसेस डिवाइसेस थे वो डेटा सेंटर में मूव कर दिए गए। उसमें मोस्ट मोस्ट सर्टन रीजन जो था दैट वाज कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियली आपको सस्ता पड़ता है। और पिछले तकरीबन 2 से 3 साल में नेटवर्क डिजाइन जो है वो ये हो गया है क्योंकि क्लाउड आ गया अब। सो दैट येलो क्लाउड इज एक्चुअली क्लाउड। सो व्हाट इज क्लाउड लेटर ऑन, उस वर्टिकल में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वर्टिकल्स डिस्कस करना हमारा इसका मकसद नहीं है। एक एक पढ़ाई हमने नहीं करनी यहाँ पे, हमने जस्ट इंटरेक्शन करनी है। सो दिस इज अ स्टार्ट ऑफ दिस नेक्स्ट सेक्शन। सो टिल दिस पॉइंट एनीवन एनी क्वेश्चन, मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ थोड़ा सा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो कम ऑन प्लीज, लाइक आई विल। एक्सपेरिमेंटल जी 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 बताएं। सर, ये एमपीएलएस और फ्रेम रिले में सर क्या डिफरेंस होता है? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रेम रिले मैंने जैसे आपको प्रेजेंट किया ना, चले इसको मैं पहले लिख लेता हूँ कि दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम रिले वर्सेस द एमपीएलएस। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन किया किसने ये? अपना इंट्रोडक्शन करा दे मुझे, किस सेमेस्टर से हैं आप? सर मैं तो अभी ग्रेजुएट हूँ सर, लेकिन सर मैंने सर ऐसा नहीं किया, तकरीबन 5 सर कोर्सेज दिए सर, सीसीएनए भी कर रहा हूँ सर, और इंशाल्लाह सीसीएनए के लिए तैयारी कर रहा हूँ सर, बस यही है सर। सर की ओके, मेहरबानी सर। अच्छा, ओके। फ्रेम रिले और एमपीएलएस जो है ना, देखें एमपीएलएस जो है दैट इज बेसिकली न्यू फॉर्म ऑफ द फ्रेम रिले। टेक्नोलॉजी एट द बैकग्राउंड जो है दैट इज डिफरेंट, टेक्नोलॉजी एट द बैकग्राउंड एट द आईएसपी लेवल दैट इज डिफरेंट, लेकिन व्हाट दे अचीव बाय द एंड ऑफ द डे दैट इज सेम, वन एंड द सेम, दैट इज ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी। सो जिस वक्त आपको मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी, जो मेरी फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड है यहाँ पे, अगर ये इस बेसिक स्लाइड को आप कंसिडर करें ना, तो यहाँ पे पुराने जमाने में लाइक 10 ईयर्स बैक मैं जिस वक्त काम कर रहा था स्कैनर्स में टू बी एग्जैक्ट, तो उस वक्त पीटीसीएल जो है वो अपने जितने भी नेटवर्क्स थे उसको फ्रेम रिले से एमपीएलएस पे मूव कर रहा था। और लाइक हमें ये प्रोजेक्ट मिला था, तो उस वक्त हमने ये काम किया था स्कैनर्स ने, कि उस वक्त जितने भी एमपीएलएस सॉरी फ्रेम रिले के राउटर्स थे दोज वर मूविंग टू द एमपीएलएस राउटर्स। होता कुछ भी नहीं है, बैक एंड पे एमपीएलएस की जो टेक्नोलॉजी है ऑन द इनसाइड द आईएसपी दैट गेट्स डिफरेंट। पहले वो फ्रेम रिले के स्विचिंग नेटवर्क्स जो है वो यूज करते थे, अब जो है वो मोस्टली राउटर्स और एमपीएलएस का प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपको राउटिंग नहीं करनी पड़ती। लाइक मैं इन डेप्थ जा रहा हूँ थोड़ा सा, आईएसपी के एंड पे राउटिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि सॉरी हाँ उसमें आपको लेयर टू फॉरवर्डिंग करते हैं उसमें एमपीएलएस में, जिसकी वजह से आपकी जो कनेक्टिविटी है वो क्विक हो जाती है। उसका फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू या कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जो कस्टमर एजेस होते हैं जहां पे ये लिखा हुआ है ना एमपीएलएस राउटर, दिस राउटर एमपीएलएस राउटर, और ये ब्रांच वाली साइड पे जो एमपीएलएस राउटर है, यहाँ पे फ्रेम रिले में आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, लेकिन अब एमपीएलएस वाली साइड पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको आईएसपी वाली साइड पे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, और आपकी जो कनेक्टिविटी होती है दैट इज सीमलेस। आपकी जो कस्टमर वाली साइड है उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। ये दो मैंने डिफरेंस बता दिए, और अगर इन डेप्थ अगर कभी चांस मिला मुझे लेटर ऑन, तो हम इसका एक सिनारियो भी बना सकते हैं, जस्ट एक डिस्कशन रख सकते हैं कि हाउ द फ्रेम रिले यूज टू वर्क एंड हाउ द एमपीएलएस इज वर्किंग। लाइक एमपीएलएस जो है वो कुछ ऐसा इन डेप्थ टॉपिक है कि उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग राउटिंग एंड स्विचिंग आनी चाहिए, क्योंकि वो इवन आपका सीसीएनए सीसीएनपी
इनमें भी डिस्कस नहीं होता, आई थिंक दैट इज इन द सीसीआई। लाइक मैंने सीसीआई में पढ़ा था, सीसीएनपी में आई थिंक उस वक्त नहीं था, अब की सीसीएनपी में है या नहीं है आई कांट से एनीथिंग। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एनीवन एल्स? नो वन? ओके, हाँ हेलो, एनीवन केम एंड गॉन? ओके ओके, लेट मी प्रोसीड विद दी लेट मी प्रोसीड विद दी सेकंड वन। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फर्स्ट जो स्लाइड थी उसमें फर्स्ट टॉपिक जो था दैट वाज एग्जिस्टिंग आईसीटी एंड डिजाइंस, के अभी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में है क्या, और उसमें हमने छह जो है वर्टिकल्स कंसिडर कर ली हैं। डिजाइंस को हमने कंसिडर कर लिया ऑन द टॉप ओवर द फ्लाई, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स इन इमर्जिंग आईसीटीज। देखें, इसमें जो फर्स्ट टू टॉपिक्स हैं दोज आर दी ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द ऑटोमेशन। ये दो जो है ये आपका की रोल जब आप एग्जिस्टिंग आईसीटी को मिलाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के साथ, तो आपके पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं दोज कम आउट टू बी एसडीएन एंड एनएफवी, क्लाउड एंड सिक्योरिटी। दीज आर नॉट ऑल ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स। फर्स्ट टू आर द ऑटोमेशन ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स एंड द रेस्ट थ्री आर द इमर्जिंग आईसीटीज। सो दीज आर दी ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स। मैं इनके बहुत ज्यादा बैकग्राउंड या डेप्थ में तो इस वक्त नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट इज मोर रिलेटेड टू द एमएससी टाइप ऑफ टॉपिक्स। मैं एमएससी खुद हूं नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारी वर्टिकल डिस्कस करना इसमें हमारा काम नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट मशीन्स थिंकिंग एंड वर्किंग लाइक द ह्यूमंस। एग्जाम्पल्स जो है फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड जो है वो आपके पास, सीरी का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? सीरी क्या चीज है? बिल्कुल सीरी, सर, पूरी तरह से। ओके ओके फाइन, दैट्स गुड दैट्स गुड, दैट्स एन इंटरेक्शन पॉइंट। मी माई सेल्फ आई एम नॉट अ यूजर ऑफ आईफोन, और बहुत सारे वो लोग जो कि आईफोन यूज करते हैं वो सीरी से सीरी को जानते होंगे। और उसके यस सर, अलावा या ओके फाइन, सो इसी तरह की नेटफ्लिक्स, आई डोंट नो नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में अब है या नहीं है, नेटफ्लिक्स आगे? ओके यस सर। गुड गुड, ओके, इट्स नॉट द थिंग टू से गुड बिकॉज आई डोंट वांट टू $10 मंथ ऑन नेटफ्लिक्स जस्ट लाइक मूवीज, जाके टोरेंट से क्यों ना डाउनलोड कर ले बंदा। एनीवेज, ये एक लिंक है जहां से ये मैंने डेफिनेशन उठाई है, दैट्स नॉट माय डेफिनेशन, सो एनीथिंग रॉन्ग इन दिस डेफिनेशन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। अच्छा, सेकेंडली, ऑटोमेशन इज द क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज विद द मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑटोमेशन इज बीइंग यूज्ड इन द नंबर ऑफ एरियाज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज, डिफेंस फैसिलिटीज, ऑपरेशन एंड लेटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज से आपने बहुत अरसे पहले सुना होगा, लाइक 2007 2008 में मैं जब यूएई में पहली दफा आया था जस्ट ऑन अ विजिट, तो वहां पे मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ जॉब्स ऑफर हुई थी, तो वहां पे मैंने देखा था कि बहुत सारी जो मशीनरी है वहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम है। लाइक मशीन से सब कुछ हो रहा है और मशीन जो है वो सब कुछ बना रही हैं। जैसे अगर आप चले जाएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान में, तो वहां पे ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है, फैसलाबाद में स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी सारी ये चीजें हैं। लेकिन ऑटोमेशन जो है वेरी लेटली इट केम इन टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसकी वजह से रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, वो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम आगे देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इमर्जिंग आईसीटी क्या है। सो दीज आर द टू थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द ऑटोमेशन, दीज आर द टू मेन थिंग्स जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग आईसीटी इज ट्रांसफॉर्मिंग इन टू द एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन और अपकमिंग आईसीटी।
जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना है थोड़ा सा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो हियर आर अ फ्यू ऑफ एग्जांपल्स जो कि आपकी एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू द नेटवर्क्स और नेटवर्क सिक्योरिटी स्टफ लाइक दैट. नेटवर्क्स को अगर आप ऑटोमेशन आप उसमें लेके आते हैं तो दैट प्रोवाइड्स यू द एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स. मोस्टली आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा. आप लोगों में से जानता है कोई सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स क्या चीजें हैं? यस सर, सब मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग है सर. ओके ग्रेट ग्रेट गुड. नेटवर्क एंड एंड पॉइंट एनोमलीज जो हैं, जो नेटवर्क सिक्योरिटी है या एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्लस द एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो अगर हम इसी एग्जांपल को, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी जो है वो दैट इज मोर डेप्थ और मोर वर्टिकल फील्ड ऑफ माइंड, सो उसके लिए ये है कि इसकी मैं थोड़ी सी इलेबोरेटेड एग्जांपल्स आपको दे दी हैं यहाँ पे. और मैंने एग्जांपल दिए, जैसे किसी ने सीम या सॉर का नाम सुना है? सीम इज सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट. यस यस सर. ओके गुड. एंड सॉर का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं? यस सर. यस सर सुना हुआ. गुड गुड ग्रेट. सो सीम जो होती है, सीम कुछ भी नहीं होती. कोई भी प्रोडक्ट हो, लेट सपोज फायरवॉल है या ईमेल गेटवेज है या एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस है, नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पांस है. लाइक हियर द एनडीआर मींस नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पांस, हियर द ईडीआर मींस एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस. फायरवॉल इज फायरवॉल, एफडब्ल्यू इज फायरवॉल, ईमेल लॉग्स ईमेल गेटवेज. सो उनके जितने भी लॉग्स होते हैं, लॉग्स जो होते हैं वो सिसलॉग का आपने अच्छी तरह नाम सुना हुआ होगा. सिसलॉग जो है वो वही लॉग्स जो है वो सीम को प्रोवाइड करता है. सीम जो है वो क्या करती है, लेट सपोज अगर आपका कोई मैं एक स्लाइड पीछे जाता हूँ, या लेट सपोज मैं एक थोड़ा सा आगे एक स्लाइड पे जाता हूँ, वहां पे आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी. आई थिंक वो स्लाइड इस जगह पे है जो कि मैंने सिक्योरिटी के वर्टिकल में रखी थी. दिस इज वन ऑफ द स्लाइड जिसको हम वापस आके फिर से डिस्कस करेंगे. मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा. अगर ये कोई एंड पॉइंट है यहाँ पे, और ये सिस्को का एक पोर्टफोलियो है जिसमें स्टेल्थ वॉच एक एनडीआर है, यहाँ पे ईडीआर है, यहाँ पे एंटी मालवेयर, ये आपकी नैक डिवाइस है, यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है. अम्ब्रेला को इस वक्त छोड़ दें, वो क्या चीज है, ये जो आपको बिग क्लाउड नजर आ रहा है, दैट इज थ्रेट रिस्पॉन्स एंड सिक्योरएक्स, थ्रेट ग्रेड, थ्रेट इंटेलिजेंस, दिस इज एक्चुअली द सीम. जो भी लॉग्स आपके यहाँ से एंटी मालवेयर से आ रहे हैं या आपके फायरवॉल से आ रहे हैं, ईमेल गेटवे से आ रहे हैं, यहाँ पे आपको स्टेल्थ वॉच से आ रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे कोरिलेट होते हैं. कोरिलेट का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर कोई मालवेयर है और मालवेयर जो है वो प्रोपेगेट करता है इन योर नेटवर्क, तो आपका एनडीआर जो है वो उसको सेंस करता है और सीम को भेजता है, फिर वो कोलैबोरेशन करता है, कोरिलेशन करता है कि यार ये किस जगह से शुरू हुआ है, कि किस जगह तक जाके इख्तिताम करेगा, तो ये किस किस्म का अटैक है. सो दैट्स 10,000 फीट व्यू ऑफ द सीम, दैट व्हाट इज एक्चुअली सीम. तो वो आपको एक ओवरव्यू दे देता है. लेट्स कमिंग बैक टू दिस स्लाइड. अगर आप ये अगर सीम का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाता है, लाइक इन डेप्थ मैं नहीं समझा रहा, एक ओवरव्यू आपको नजर आ जाता है, तो इसी के साथ आपका दूसरी चीज जो आती है दैट इज सॉर. सॉर इज एन एडवांसमेंट ऑफ सीम. सॉर जो है वो खुद कुछ भी नहीं है, बेस लाइन उसकी जो है वो सीम ही है. सीम खुद कुछ भी नहीं है, सीम की बेस लाइन जो है दैट इज दी लॉग्स फ्रॉम दी एनडीआर, ईडीआर, फायरवॉल, ईमेल गेटवे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, काउंटलेस स्टफ, एनीथिंग व्हिच कैन प्रोवाइड द सिसलॉग दैट कैन सेंड द इंफॉर्मेशन टू द सीम. एंड इट इज वेंडर इन स्पेसिफिक, हो सकता है आपकी फायरवॉल फॉर्टिगेट की हो, ईडीआर जो है वो आपका कार्बन ब्लैक हो, वीएमवेयर कार्बन ब्लैक हो, एनडीआर आपका हो सकता है
वेक्ट्रा का हो, ईमेल गेटवे जो है वो सिस्को का, सिस्को सिस्को ईएसए हो, सो ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस, सो एनीथिंग व्हिच कैन प्रोवाइड द लॉग्स कैन सेंड द लॉग्स टू द सीम. और सीम जो है वो आपका स्प्लंक हो सकता है, सीम आपका सिस्को का सिक्योरएक्स हो सकता है, सीम आपका आईबीएम क्यूराडार हो सकता है, और कई एक मार्केट में सीम है. सीम एक आपका बहुत मशहूर है लॉगरिदम के नाम से है. सो दीज आर टॉप प्लेयर्स. एनीवेज आई एम नॉट गोइंग इनटू द वेंडर स्पेसिफिक, जस्ट आपको बता रहा हूँ वेंडर स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है. एनीथिंग विच कैन प्रोवाइड यू द सिसलॉग, वही सिसलॉग आपको सीम प्रोवाइड करता है. सीम के साथ अगर आप ऑटोमेशन और एआई को सैंडविच कर देते हैं तो वो आपका सॉर बन जाता है. लेट सपोज अगर आपका सीम जो है वो कोई एनी टाइप ऑफ मालवेयर एक्टिविटी देखता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको ऑटोमेट नहीं करेंगे कि फला प्रोडक्ट के पास जाओ, नेटवर्क में फला प्रोडक्ट लगी हुई है उसके पास जाओ और उसको ये एक्शन करो जिसकी वजह से ये मालवेयर जो है वो अपनी जगह पे रुक जाए. तो दैट्स जस्ट एन एग्जांपल. जस्ट लाइक सिस्को का जो सीम है या सिस्को का जो एनडीआर है वो सिस्को आईएसई नैक के साथ ऑटोमेशन करता है और उसके बाद फिर वो मालवेयर्स को या एंड पॉइंट्स को ब्लॉक करता है. दैट्स अ डेप्थ. आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ. सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द एसडीएन. या बाद में पढ़ सकते हैं. आई विल नॉट गो इनटू द डेफिनेशंस. ये एक जर्नलाइज्ड networkworld.com बहुत ही मशहूर वेबसाइट है, उससे ये डेफिनेशन है. और ये सिस्को क्या कहता है इसके बारे में, दैट्स अ डेफिनेशन एज वेल. उसके बाद आपकी आती है SDN products of the Cisco. Like I am speaking from the Cisco platform, that's why I have included this these slides. Cisco ka new product. Aajkal jo campus network ke switches hain ya routers hain wo aajkal to nahi. Like in the 5 years or so, जब आप लोग इंशाल्लाह मार्केट में होंगे तो फिर उसके बाद वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस डीएनए सेंटर के तौर पे मैनेज होंगे. SD-WAN is इंटरनेट, न्यू इंटरनेट आप उसको कह लें, दैट इज अगेन सॉफ्टवेयर डिफाइंड. फिर आता है एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर ACI, दैट इज हैपनिंग टुडे. लाइक फॉर द लास्ट 5 years डेटा सेंटर्स में ACI जो है वो डिप्लॉय हो रहा था. सिस्को ने आज आके लाइक 3 साल बाद उसके या 4 साल बाद उनको सोच आई कि यार इसको कैंपस नेटवर्क को भी ऑटोमेट करना चाहिए, इसलिए उन्होंने DNA सेंटर बनाया. एनीवेज इसकी वर्टिकल्स में हम फिर जाएंगे. फिर आ जाता है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन. नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन किस तरह से होती है उसकी मैं आपको एग्जांपल एक दे दूंगा. आई विल शो यू माय स्क्रीन फॉर द सर्वर्स. जस्ट गिव मी अ क्विक ब्रेक. मैं ओके. सो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन जो है अगेन वन डेफिनेशन फ्रॉम द नेटवर्किंग वर्ल्ड. एंड नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन में जो पायनियर है या आप कह लें जो लीडर है VMware, लाइक हैड्स ऑफ टू दैट गाय. लाइक उन्होंने जबरदस्त काम किया, बहुत सारी चीजें जो है वो आसान कर दी. बहुत सारे लोग जो है वो SDN और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन में कंफ्यूज होते हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस ओवर हियर. और इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नेटवर्क अप्लायंसेस हार्डवेयर विद द वर्चुअल मशीन्स. द वर्चुअल मशीन यूज अ हाइपरवाइजर टू रन द नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस सच एज राउटिंग एंड लोड बैलेंसिंग एंड मेनी अदर्स. दिस इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द राउटिंग एंड लोड बैलेंसिंग, मेनी अदर्स. और उसके अलावा आपके हाइपरवाइजर्स होती हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ हाइपरवाइजर्स हैं. सो आप लोगों में से किसी ने इन हाइपरवाइजर्स का नाम सुना हुआ या किसी ने काम किया है? यस सर. यस सर. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आप लोगों ने किस पे काम किया हुआ है या
मौका किसको मिला? VirtualBox एंड VMware दोनों पे. VirtualBox और VMware पे किया हुआ है. ओके फाइन, दैट्स ग्रेट. मैंने खुद किस पे किया हुआ है? मैंने VMware वर्कस्टेशन पे किया या ESXi पे किया है? सर वर्कस्टेशन पे किया है. अच्छा अच्छा ओके 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 फाइन फाइन फाइन. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. मेरे पास कुछ सर्वर्स मौजूद हैं जिसमें, बल्कि मैं यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. आपको मैं ESXi का एक व्यू दे देता हूँ किस तरह से नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन जो है वो काम करती है. एनीवेज ओके, देखिए मुख्तलिफ किस्म की जो वर्चुअल मशीन्स हैं, दिस इज जस्ट अ विंडोज पीसी. दिस इज जस्ट अ विंडोज पीसी जो कि इंस्टॉल्ड है आपकी ESXi के ऊपर. तो ESXi या जो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन है, दैट इज नथिंग बट जस्ट ए वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट लाइक ISO इमेज दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन टॉप ऑफ अ हाइपरवाइजर. और वहां पे आप अपना लैपटॉप जो है, लैपटॉप को आप एक वर्चुअल मशीन के तौर वर्चुअल मशीन में यूज कर सकते हैं, जस्ट सिंपल. और वो आप कोई भी और किसी का पीसी पकड़ लें और आप जाके एक्सेस कर लें उसको, जैसे हाँ. और इसके अलावा जो आपके राउटर्स होते हैं या फायरवॉल्स होती हैं, उनकी बहुत सारी जो VMs हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो सकती हैं. सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे. SDN वर्सेस NFV या एनीथिंग एल्स, या कोई भी अगर मुझे ये बताना चाहे, लेट मी पुट माय क्वेश्चन नाउ. इफ एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आंसर के what is the difference between NFV and SDN, anyone wants to? Sir ji 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 sir ye network automation aur SDN mein sir difference to clear nahi hai sir. Aha okay fine. SDN dekhen, SDN mein ye hota hai, jaise SDN ki jo SDN की जो बेसिस हैं वो ये हैं कि आपका एक स्विच चल रहा है जिसके ऊपर आप जाके, चले मैं आपको स्विचिंग की ही एग्जांपल देता हूँ. स्विच आपका एक चल रहा है जिसके अंदर आपकी वी लाइन आप डिफाइन करते हैं, फिर आप उसकी राउटिंग डिफाइन करते हैं, फिर आप उसकी डिफरेंट नेटिंग तो नहीं स्विचिंग में आती, ACLs define करते हैं. Let's stick to the VLANs. तो ये जो software defined networks में ये होता है कि आप सिर्फ policy define करते हैं कि let's suppose एक port जो है उस पे एक PC लगा हुआ है, वो दूसरी port को access करे, तो आप सिर्फ ये define करते हैं कि यार ये इसको सिर्फ RDP कर सके, ठीक है ना. तो जब वो RDP आप करते हैं तो वहां पे आपको वो जो SDN होता है वो आपको बताता है कि इसमें कौन सी VLAN जो है वो खुली होनी चाहिए, एंड पॉइंट कौन सी VLAN होनी चाहिए, इनकी आपस की इंटर VLAN राउटिंग होनी चाहिए, और उसके अलावा एक्सेस लिस्ट होनी चाहिए. तो ये वो खुद अपने आपके बिहाफ पे वो खुद डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है. इस तरह से आपका SDN काम करता है, लाइक 10,000 फीट व्यू आपको दे रहा हूं मैं. सो ऑन द अदर हैंड NFV जो है, आप लोगों से एक गुजारिश है, लेट्स आप लोग जब अपना क्वेश्चन कर लें तो अपना माइक काइंडली म्यूट कर दें. अच्छा, इसमें जो NFV ऑन द अदर हैंड वो ये होता है कि जो कुछ आप एक
स्विच के ऊपर कर सकते हैं, वही चीज आप उसकी वर्चुअल मशीन में भी कर सकते हैं। वहां पे आपको खुद ही वीलैन डिफाइन करना है, खुद ही आपको उसकी राउटिंग डिफाइन करनी है, खुद ही आपको उसकी एक्सेस लिस्ट डिफाइन करनी है। आपके बिहाफ पे वो नहीं कर रहा होगा एनएफवी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिवाइस नहीं होगी, दैट विल बी इन अ सर्वर, दैट विल बी अ वर्चुअल मशीन। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइक हाई लेवल मेन डिफरेंस बिटवीन द एसडीएन एंड एनएफवी। एनीवन एल्स? ओके, लेट्स प्रोसीड। उसके बाद आपकी जो न्यू टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में मुतारिफ हुई है, दैट इज द क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जो है, दोज आर द लीडर्स इन द क्लाउड टेक्नोलॉजीज। उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, जस्ट ये मैं शेयर करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। Later on, there are types of clouds, IaaS, PaaS, and SaaS. Infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. ये आपके समझने के लिए जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दे दी है। अगर आपकी all of the devices are sitting on site, what you will have to manage? एंड अगर आप उसको क्लाउड में लेके जाते हैं तो व्हाट यू विल बी मैनेजिंग एंड व्हाट द सर्विस प्रोवाइडर विल बी मैनेजिंग, इट्स अ हाई लेवल ओवरव्यू। इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल है जिसको जस्ट आप इस प्रेजेंटेशन को अगर आप लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं तो ये आपको एक अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएगी कि किस तरह से इनका डिफरेंस है। लाइक आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। ये क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जिस तरह मैंने आपको मेन बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट नेम है, जैसे टोयोटा एक कंपनी है और कोरोला उसका एक प्रोडक्ट है। सो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और एज्योर उसका प्रोडक्ट है। सो अमेजॉन AWS, अलीबाबा क्लाउड इज अलीबाबा क्लाउड एंड गूगल इज GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद माय मोस्ट फेवरेट सिक्योरिटी वर्टिकल आ जाता है। सिक्योरिटी वर्टिकल में आपके पास कुछ चीजें आती हैं। ये आपकी प्रोडक्ट वाइज डेफिनेशंस है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डिफेंसिव सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी कंप्लायंस। इस सब को आप मिलाते हैं तो आपकी न्यू नाम आ जाता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी खुद कुछ भी नहीं है, आपकी साइबर सिक्योरिटी बनती ही ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डिफेंसिव सिक्योरिटी एंड दी सिक्योरिटी कंप्लायंस से मिलके बनती है। इसके अलावा इसके जो स्टेप्स होते हैं, पीपल अवेयरनेस, प्रोसेस कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग बिकॉज इनिशियली सिक्योरिटी गेट्स बोर, बट इट्स वर्थ लर्निंग नॉट ओनली फ्रॉम द मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू बट also from the importance point of view. अगर आप किसी भी organization में चले जाएं तो आपको अगर network वाला बंदा या storage वाला बंदा या servers का कोई भी बंदा अगर कोई काम कर रहा है और security वाले ने कोई काम करना है तो project manager जो है वो आपके security के बंदे को priority देगा, network और storage को priority नहीं देगा। Security is number one. वो कहेगा यार भाड़ में जाए आपका network, भाड़ में जाए आपका सिस्टम एंड स्टोरेज, मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि सिक्योरिटी ऐसी चीज है जिसके ऊपर कंप्लायंस बैठी होती है। कंप्लायंस वो चीज है जिसके ऊपर ऑडिट बैठा हुआ होता है और अगर कोई भी ब्रीच होती है तो ऑडिट सबसे पहले कंप्लायंस को पकड़ता है और कंप्लायंस पकड़ता है सिक्योरिटी के बंदे को कि यार मेरा डेटा ब्रीच हो गया और मुझे बिलियंस का लॉस हो गया, बिलियंस इन मोर मिलियंस। दीज आर डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी स्टेप्स जो के कंबाइन होते हैं तो आपकी साइबर सिक्योरिटी जो है वो बनती है। नेटवर्क सिक्योरिटी आती है जिसमें एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग, दैट इज प्योर ऑफेंसिव सिक्योरिटी। उसके बाद सीम एंड सॉर, दैट इज मोर लाइक कंप्लायंस स्टफ। कंप्लायंस तो नहीं है लेकिन
मोर लाइक कंप्लायंस स्टफ. उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स हैं जो कि जिनकी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो आप देख सकते हैं ऑन द इंटरनेट. मोस्ट कॉमन यही है, इसके अलावा कई एक और हैं. वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं. वायरस क्या चीज होती है, वायरस जो होता है दैट करप्ट्स द सिस्टम. लेकिन एक फाइल से दूसरी फाइल में तो खैर जा सकता है, लेकिन एक पीसी से दूसरे पीसी, आपको ग्राउंड लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पीसी से दूसरे पीसी तब नहीं जा सकता. वॉर्म ऑन द अदर हैंड वायरस ही होता है, लेकिन ये नेटवर्क के थ्रू प्रोपेगेट कर सकता है. ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन जो होता है बेसिकली इट्स नॉट अ वायरस, इट्स डोर ओपनर फॉर द वायरसेस. ये आपकी वल्नरेबिलिटी होती है बेसिकली. उसके बाद आपके लिए ये मैंने अच्छा, मुझे यहाँ पे एक सबसे क्वेश्चन करना है. मुझे ये बताएं, ये वाली मूवी किसी ने देखी हुई है, जेसन बॉर्न? एनीवन? नो सर. नहीं देखी हुई? ये आपको जरूर देखनी चाहिए. अच्छा, अगर नहीं देखी हुई तो ये मूवी जो है इसका इसका ये वाला क्लिप जरूर देखें. अगर आप लोग ये आपके लिए बहुत जरूरी है, लाइक फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ये बहुत जरूरी है. इवन आप लोगों ने सीबीटी नगेट्स का नाम सुना हुआ है? यस सर. अच्छा, गुड. सीबीटी नगेट्स जो है, सीबीटी नगेट्स में जिसवन कीथ बार्कर जो है वो पढ़ा रहा होता है, तो उसने भी इवन जेसन बॉर्न की मूवी का इस क्लिप का रेफरेंस दिया हुआ है. वो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आपको पूरा का पूरा वायरस और ट्रोजन का जो डिफरेंस है ना वो समझ में आ जाता है. अगर एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन अगर हमारे पास टाइम हुआ तो वी विल वॉच दिस. आई लव दिस सीन, क्योंकि इसमें फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव बहुत सारी चीजें, समंदर को इन्होंने कूजे में बंद किया है 5 मिनट के क्लिप में. ग्रेट, ग्रेट टू वॉच. उसके बाद कंप्लायंस क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी के टॉप पे कंप्लायंस होती है एंड कंप्लायंस के टॉप पे ऑडिट होता है. सो दीज आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिक्योरिटी कंप्लायंस जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मीट करने होते हैं. उसके बाद इसमें हिप्पा कंप्लायंस है. हिप्पा कंप्लायंस जो है, जो भी आप हेल्थ जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे आपका डेटा एंट्री होता है. वो जो डेटा एंट्री होता है दैट इज योर प्रॉपर्टी दैट इज रिजाइडिंग इन द हॉस्पिटल. कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर है आपका, ईमेल है, वो वहां से लीक नहीं होना चाहिए. दैट इज कंप्लायंस. और ये कंप्लायंस चेक होते हैं कि क्या हॉस्पिटल से डेटा लीक तो नहीं हो रहा. सो इसका पूरा एक फ्रेमवर्क होता है. फिर PCI DSS. PCI DSS इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थ्रू आउट ग्लोब. जहां पे भी ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा होता है वहां पे ये फ्रेमवर्क यूज हो रहा होता है. आपका यूजर नेम पासवर्ड इसके अगेंस्ट स्टोर होता है. ISO इज अ जर्नलाइज्ड स्टैंडर्ड. और NIST जो है ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होता है, मोस्टली रिलेटेड टू जर्नल ऑर्गेनाइजेशंस. उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी आती है. नेटवर्क सिक्योरिटी के मुख्तलिफ फीचर्स हैं. ये सिस्को की डेफिनेशन है, ये भी आप फिर से देख सकते हैं. उसके बाद एंड पॉइंट सिक्योरिटी स्पेसिफिकली क्या होती है. नेटवर्क सिक्योरिटी का सबसेट है एंड पॉइंट सिक्योरिटी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक ओवरऑल व्यू है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि सिस्को की सिक्योरिटी को डिस्कस करता है. और इसमें कुछ एंड पॉइंट सिक्योरिटी है जिसमें कि ये आपका पीसी है. पीसी जो है वो नैक डिवाइस से लगा हुआ है. ये जो पैन लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली द नैक डिवाइस, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल. ये आपको बता रहा होता है कि यार क्या ये पीसी नेटवर्क पे कनेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता. अगर कनेक्ट हो सकता है तो इसके बाद प्रिविलेजेस क्या होंगे. क्या ये इंटरनेट यूज कर सकता है, ओके फाइन, या नहीं कर सकता. या क्या ये इंटरनल सर्वर्स को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता. ये सब कुछ आपका नैक डिवाइस बताता है. उसके बाद अगर आपके नेटवर्क के ऊपर कोई भी
वायरसेस जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी देखता है उसको, प्लस स्टेल्थ वॉच उसको देखता है, एनडीआर नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, एक्टिव डायरेक्टरी जस्ट मैंने इसलिए दिखाई हुई है क्योंकि यहाँ पे आपका डेटाबेस पड़ा हुआ होता है जो कि नैक जो है उसको यूज करता है और आपका डेटा जो है वो वहां से फेच करता है. उसके बाद फायरवॉल का सबने नाम सुना हुआ होगा. एनीवन कैन आंसर कि यूईटी में फायरवॉल कौन सी लगी हुई है, या किसी को पता है कि फायरवॉल लगी भी हुई है या नहीं यूईटी के सर्वर रूम में? किसी की एक्सेस है यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है? सर मेरे ख्याल से नहीं लगी हुई. ओके फाइन, कभी जाने का इत्तेफाक हो तो मेरा 99% गेस है कि लगी होनी चाहिए, और 1% हो सकता है ना लगी हो जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन लगी होनी चाहिए. लाइक हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग यूर सेल्फ फ्रॉम द इंटरनेट इफ यू डोंट हैव द फायरवॉल एट द एज. उसके बाद अम्ब्रेला इज एन ऑप्शनल स्टफ. अम्ब्रेला की मैं आपको ओवरव्यू भी नहीं दे सकता क्योंकि इट्स अ डेप्थ, इट्स वेरी मच डेप्थ. इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका सीम आ जाता है जो कि क्लाउड बेस्ड होता है. आपको मैं ये दिखा भी दूंगा जो कि मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो सीम है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो मैं आपको शॉर्टली दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप्ड रहे. उसके अलावा यहाँ पे आपका ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस होता है. सो लेट्स लेट मी शो यू शॉर्टली व्हाट इज देयर इन माय ऑर्गेनाइजेशन. और इसके अलावा यहाँ पे ये जो तीन अगली स्लाइड्स हैं, ये मैं चार स्लाइड्स जो हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप देख लीजिएगा. कटिंग शॉर्ट मैं आपको छोटा सा व्यू दे दूं. लेट मी जस्ट साइन इन टू माई डिवाइसेस एंड आई विल कम बैक टू यू. आई एम जस्ट स्टॉपिंग द शेयरिंग स्क्रीन शेयर. जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स. राइट सर. राइट सर. In the meantime, Sajjad साहब जो है, he's trying के आपको अपने organization का information and management system आपको दिखा सके, जो तो सिम वो बार बार कह रहे हैं वो दिखा सके, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे. Why? अर्शद अली, अतीका, दिलावेज, इकराम, मोहम्मद एहसन, राहिला, बड़े कूल काम हुए हैं आप लोग. जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझ पे तो आप क्वेश्चन बड़ा बड़ा डस डस करके लगाते हैं. वाह सलमान, खामोशी क्यों है? सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी. आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आप लोगों को आ रही है? सर आ रही है. ओके फाइन. तो कहने का मकसद यह है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप सज्जाद रजा साहब से जो भी आपके क्वेरीज हैं स्पेशली उनसे इन चीज के जी आगे हमें, ठीक है, ये टेक्नोलॉजीज ये सब कुछ वो आपको, क्योंकि उसका वो बार बार कह रहे हैं कि ही इज गिविंग यू ए 10,000 फीट से बता रहे हैं, तो वो चीजें इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती. इट डजंट मैटर,
इम्पोर्टेंट थिंग इज कि किस तरह हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है. तो आपका क्वेश्चन इस तरह रिलेटेड होने चाहिए कि हमें क्या कुछ, क्या हमारी ये ग्रेजुएशन जो हो रही है इट्स एनफ, या हमें कुछ और करना है इंडस्ट्री को में जाने के लिए, क्या इंडस्ट्री हमें कब कबूल करेगी और हमें इज्जत देगी, और इज्जत के साथ साथ हमें पे में एक अच्छी सैलरी भी देगी, क्योंकि हम 10,000 or 15,000 rupees की सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करके तंग आ चुके हुए हैं. हमारे लिए वो हमारी जेब का खर्चा भी पूरा नहीं होता और हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं. तो हाउ वी कैन गो इन द इंडस्ट्री एंड वी कैन हैव ए मे आई कॉल इट ए व्हाइट कॉलर जॉब वी कैन ऑब्टेन. कब हमें अगर कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो कब हमें करनी चाहिए, क्या जैसे कि अभी सजाद साहब ने कहा कि ही डिड आफ्टर 3 years फॉर एग्जाम्पल, इट माइट बी लेट आई नॉट टू मे बी. तो यू कैन आस्क सच क्वेश्चंस. तो डोंट बी जस्ट लिसनर इन दिस वेबिनार, ट्राई टू बी एक्टिव. सो मैं अपना माइक क्लोज करता हूं अगेन एंड गिव यू अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सजाद रजा साहब. Okay, what we have, Stealth Machine Impulse, Amp, Firewall, Security, Security, yeah, okay, fine. आपको मैं अभी छोटा सा एक आई थिंक मैं स्क्रीन शेयर कर दूं. स्क्रीन का भी प्रेजेंट नाउ. ओके गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन क्या? यस सर, इट्स विजिबल. ठीक है, सही है. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहानी शुरू कहाँ से होती है. कहानी यहाँ से शुरू होती है जब जब ये पीसी आपको लैपटॉप नजर आ रहा है ना, कर्सर मेरा यहाँ पे एंटी मालवेयर जो है मैं हम लोग यूज कर रहे हैं इस वक्त. ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, कार्बन ब्लैक हो सकता है, ट्रेंड माइक्रो हो सकता है, नॉटन सेमेंटिक का हो सकता है, उसके बाद सिस्को का हो सकता है, मैकैफे हो सकता है, देर आर न्यूमरस. तो हम लोग यूज कर रहे हैं इस वक्त सिस्को. तो सिस्को का जो एंटी मालवेयर है ये एक ईडीआर सॉल्यूशन है. ईडीआर इज जस्ट एन एडवांस एंटीवायरस, बट इट्स नॉट एन एंटीवायरस जस्ट, इट इज बेसिकली एन एंटीवायरस बट इट्स नॉट ओनली द एंटीवायरस. और ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एम्प. सो आई विल गो एंड लॉन्च द एम्प डैशबोर्ड. मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि लाइक इट्स माय कंपनीज प्रॉपर्टी, तो मैं आपको बहुत ज्यादा व्यूज नहीं दे सकता, जस्ट द बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा. लेकिन ये इसका नॉर्मल सा डैशबोर्ड होता है और ये इस तरह से आपके कंप्रोमाइज को देख रहा होता है कि आपकी ईच एंड एवरी डिवाइस पे. लेट्स गो फर्स्ट टू द डिवाइस मैनेजमेंट कंप्यूटर्स. आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त ये चीज देख रहे हैं. मैंने अपनी जब सीसीआई सिक्योरिटी की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस वक्त पहली दफा मैंने सिस्को एम्प का डैशबोर्ड देखा था. तो एनीवेज, ये सारे लोग हैं जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हैं. देखें यहाँ पे अब मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा पीसी जो है वो अपडेटेड है. इसके अलावा बहुत सारे लोगों का आउट ऑफ डेट है, उनकी एंटीवायरस डेफिनेशंस जो हैं वो आउटडेटेड हैं. और इसका जो डैशबोर्ड है वो मैं आपको इम्पोर्टेंटली दिखा देता हूँ, जस्ट टू व्यूज एंड वी प्रोसीड टू नेक्स्ट वन. ईच एंड एवरी डिवाइस के ऊपर कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं तो ये आपको दिखा देता है. और उसके अलावा आपको कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, ये किस डिवाइस के ऊपर है ये भी आपको दिखा देगा. और
आई थिंक यहाँ से आपको दिखा देगा कि कौन सा पीसी जो है वो, हाँ ये अब तीन लोग हैं, इनके जो पीसीज हैं इनके अंदर वायरस जो है मौजूद है। अगर वायरस नहीं है तो कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि वायरस हो, लेकिन हो सकता है ट्रोजन हो सकता है कुछ और हो। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच इट कैन टेक इन टू अकाउंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग आपकी आती है नैक, नैक डिवाइस। नैक डिवाइस के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, नैक यहाँ पे मैंने खोला है। Sajjad Raza, sorry to interrupt you. Arshad Ali raised his hand. Probably he's asking, he's want to ask something. Sure. Go ahead. मैं असल में उनको स्क्रीन नहीं देख सक रहा, तो आप मुझे एक्सक्यूज मी करके इंटरप्ट कर ले, नो वरीज, गो अहेड। सर हमें तो पता नहीं था कि आपकी क्लास शुरू है, तो हम तो बाद में आए हुए हैं ना, तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे। तो ये आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये हमें कब मिलेंगे? रिकॉर्डिंग तो खैर मैं अपनी साइड पे नहीं कर रहा, एहसान से सर आप कर रहे हैं क्या रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त आपको अर्शद अली बेहतर ही होता है जब आप कोई क्वेश्चन करें तो अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया करें कि मैं अर्शद अली फलाने अदारे ऑर्गेनाइजेशन से, फलानी डिपार्टमेंट से, फलाने सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मेरा ये क्वेश्चन है, तो फिर आपको जवाब में अच्छा जवाब मिल जाता है। जैसे अभी हमें क्वेश्चन किया हुआ है सलमान ने कि इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इंजीनियर आगे कौन सी कंपनी में वर्क कर सकता है, तो वेरी सिंपल आंसर, जहां इलेक्ट्रिक इंजीनियर हर जगह जॉब कर सकता है जिसकी वो अपनी एक्सपर्टी डेवलप कर ले। मिसाल के तौर पे अगर वो सॉफ्टवेयर में अपनी एक्सपर्टी डेवलप कर देता है तो वो कंप्यूटर साइंस की जॉब को जाके हैच के वो कब्जा कर लेता है। अगर वो नेटवर्किंग को कब्जा को सीख लेता है तो वो नेटवर्क्स की जॉब को कब्जा कर लेता है। अगर वो टीचिंग में अपनी एक्सपर्टी डेवलप कर लेता है तो वो टीचर बन जाता है। अगर वो यानी कुछ भी, अगर आपने आगे अपनी एक्सपर्ट, जब तक एक्सपर्ट ही नहीं होगी तो नो वे, यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स इन अ सर्टेन एरिया। यस सर, इसी को मैं सर को मैं सेकंड करूंगा इसमें। इसमें सिंपल सी बात यह है कि आप अपनी इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद आप कोई एक एमएस चूज करते हैं, आप उसी के एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेट सपोज डीएसपी आप पढ़ते हैं, डीएसपी आप पढ़ते हैं और डीसीएससी का बंदा भी पढ़ता है, लाइक कंप्यूटर साइंस का बंदा जो है वो भी पढ़ता है, तो वो दोनों एक कॉमन उस पे स्पेशलाइजेशन पे आ सकते हैं। लेकिन देखें जैसे मैं हूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, बट शुरू में मैंने इलेक्ट्रिकल की जॉब्स, आई वाज डबल माइंडेड ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वेयर टू गो। लेटर ऑन आई फाइनलाइज्ड कि मुझे नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग मैंने कभी अपनी जिंदगी में एज ए नेटवर्किंग नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने इनायतुल्ला बाबर साहब ने हमें फाइनल ईयर में पढ़ाया था, दैट वाज डेटा कॉम, दैट वाज द ओनली थिंग। उसके बाद मेरा फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट था दैट वाज रिलेटेड टू द नेटवर्किंग, वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नहीं था। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको नेटवर्किंग की होराइजन आपको बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। अगर आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है कोई भी ऐसा करियर जो कि आप कहते हैं कि यार नहीं मैं नेटवर्किंग या सिस्टम्स या आईटी की फील्ड में नहीं जाना चाहता, यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स योर ओन डिसीजन, बट यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ दैट। बट उसमें मैं आपकी गाइडेंस नहीं कर सकूंगा, मैं आपका गाइड नहीं हूंगा। जो उस एरिया का इंटरमीडिएट लेवल का, जो कि मैं लाइक इंटरमीडिएट लेवल का बंदा हूँ, I cannot say I'm an expert because no one is expert 100%. So that's why I say I'm an intermediate person. So intermediate person banda jo hai wo aapko guide kar sakega us direction mein, lekin wo aapko dhoondna padega. Main yahan pe hu un logon ko guide karne ke liye jo ke abhi faisla kar chuke hain apna, ya उन्होंने सोचना है कि लाइक आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग। और इसमें आपको बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको फौज से दूंगा। जो आर्मी होती है या पाकिस्तान आर्मी है या किसी भी मुल्क की आर्मी होती है,
जब वो PMA का कोर्स करती हैं तो उनको राइफल चलाना भी सिखाते हैं, उनको बेसिक कोर्स ऑफ दी आर्मर भी कराते हैं, उनको बेसिक कोर्स ऑफ आर्टिलरी भी कराते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन आर्मर का बंदा आर्मर में करता है, फिर वो स्पेशलाइजेशन अपनी इन्फेंट्री का बंदा इन्फेंट्री में करता है। वो चूज करते हैं कि क्या मैंने करना है। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि आप ये सोचें कि मैंने इलेक्ट्रिकल कर लिया और मैं उनके सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट हूंगा। नहीं, यू हैव टू चूज वन। हो सकता है आपको डेटा कॉम, मैंने अपना चूज किया इलेक्ट्रिकल में से डेटा कॉम, डेटा कॉम को चूज किया, और उसके बाद मैंने अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी डेटा कॉम पे किया। मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स, मैनेट्स पे हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स यूजिंग ब्लूटूथ एंड इम्प्लीमेंटेशन दैट वाज इन जावा प्रोग्रामिंग। सो हमने उसमें किया क्या था, क्योंकि वहां पे 2005 का उस वक्त जिलजिला आया था इन बालाकोट, तो उस वक्त हमें ये चांस मिला कि 2006 में हमारा फाइनल ईयर था, हमने मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स की डिप्लॉयमेंट के लिए एक थीसिस लिखा। लेटर ऑन आई सेट आई ट्रिपल ई की एक कॉन्फ्रेंस थी, आई ट्रिपल ई आई सेट ICET 2007, उसमें मेरे कॉलीग ने एक पेपर भी पढ़ा था, हमारा इंटरनेशनल पब्लिकेशन था ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ दी आई ट्रिपल ई। तो वही फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मेरा जावा की प्रोग्रामिंग में भी काम आया। लेटर ऑन 2012 में मैंने जावा की प्रोग्रामिंग की सर्टिफिकेशन की, आई एम अ सर्टिफाइड OCP JP। उसके बाद फिर मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स भी हमने डिप्लॉय किए, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी हो गया। और आपस की बात ये है जो कि आपके बहुत सारे दोस्तों में होता होगा कि यार जिसके पीछे जिसको प्रोग्रामिंग आती है तो बहुत सारे लोग उसके पीछे भाग भी रहे होते हैं कि यार मेरी असाइनमेंट कर दो, मेरी असाइनमेंट कर दो, मेरी असाइनमेंट कर दो। सो वी वर किंग एट दैट वेरी टाइम इन आर सेशन। मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन हमने बहुत सारों को नकल करवाई भी है इन द जावा। एनीवेज सो दैट वाज अ ब्रीफ। सो लेट मी मूव टू दी मोबाइल दिस नैक। नैक जो है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, नैक जो है दैट इज सिस्को आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन। आई डोंट नो वेदर इन योर ऑर्गेनाइजेशन आपके पास सिस्को आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन है या नहीं है, या कोई और नैक सोल्यूशन है या नहीं है। ये आपको बताता है कि कितने आप इस वक्त कनेक्ट हो सकते हो या नहीं। मेरे मेरे ऑफिस में इस वक्त ऑफ है, लाइक इट्स सैटरडे, तो बहुत कम डिवाइसेस जो है इस वक्त यहाँ पे कनेक्टेड हैं, या नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। अच्छा भाई, सो हेयर आर द आईपी एड्रेसेस, मैक और वो सब कुछ आपको बता देता है कि कौन इस वक्त कनेक्ट हुआ है। इसमें अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो कनेक्ट हुई होती है नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल डिवाइस से। सो इसी तरह आपकी अगर आप चले जाते हैं एक्सटर्नल आइडेंटिटी सोर्सेज पे, तो एक्टिव डायरेक्टरी जो कि डेटाबेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो यहाँ पे ऑपरेशनल है, कनेक्टेड है। सो डेटाबेस इज दैट ऑफ दी एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी का नाम किसने सुना हुआ है, एनीवन? लाइक मैं एक्टिव डायरेक्टरी कर रहा हूँ, किसने नाम सुना हुआ है? यस सर, मैंने सुना है सर। ओके ओके, उसका काम भी पता होगा डेफिनेटली, सर थोड़ा बहुत पता है सर। सही, इंशाल्लाह पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ओके, और इसी के अलावा फिर आपकी एक और डिवाइस आ जाती है, दैट इज द फायरवॉल। इस वक्त मेरे पास स्टेल्थ वॉच इंस्टॉल्ड नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। इसमें फायरवॉल जो है दैट इज देयर एज वेल। फायरवॉल जो है वो सिस्को की है, लाइक वी आर सिस्को गोल्ड पार्टनर, तो मेरे पास एंटीवायरस भी सिस्को का है, नैक जो है वो भी सिस्को का है, फायरवॉल जो है वो भी सिस्को है।
तो वो भी मैं आपको व्यू दे देता हूँ, एक ओरिजिनल सिस्को डिवाइस या फायरवॉल किस किस्म की होती है, दैट्स अ ब्लैक बॉक्स एक्चुअली, यू मे और मे नॉट लाइक इट, सो डिफरेंट फायरवॉल्स हो सकती हैं, लेकिन आई लव दिस फायरवॉल बिकॉज बिगिनर्स के लिए, लर्निंग के लिए बेस्ट फायरवॉल जो है वो सिस्को ASA है. इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एनीवेज कमिंग बैक टू आर प्रेजेंटेशन, इसके अलावा यहाँ पे दो और चीजें रह गई हैं, सिस्को ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस एंड सिक्योर एक्स, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस, इट्स नॉट अ गुड शेप ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस, इट्स वर्दी. ये आपको सारा कुछ बता देती है कि यार किस तरह से आपकी ईमेल जो है उसके अंदर कोई वायरस है या कुछ और चीजें हैं, इसकी मुख्तलिफ पॉलिसीज वगैरह होती हैं. सो वो मेल पॉलिसीज में जाके आप इनकमिंग पॉलिसीज बना लेते हैं कि गो फॉर इट एंड डिलीट दिस थिंग, ये चीजें आपने ब्लैकलिस्ट कर देनी है, इस डोमेन से मुझे ईमेल नहीं आनी चाहिए. लेट सपोज ये कुछ ईमेल्स हैं, ईमेल डोमेन्स हैं जहां से ईमेल हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं आनी चाहिए, या कभी कोई अटैक जनरेट हुआ था, हमने उसको सेंस किया, हमने उसको एनालाइज किया और उसके बाद हमने उसको ब्लॉक कर दिया फॉर एवर, सो यहाँ पे हमें कभी भी इससे कोई ईमेल नहीं आएगी इन फ्यूचर. मोर डिटेल्स आई कैन नॉट शेयर. लेटर ऑन वी हैव सिक्योर एक्स. सिक्योर एक्स आपका सीम है. आई थिंक दिस वन, skip the tour. Let me put it into the desk. ये जो ये ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस है वो इस सीम के साथ कनेक्टेड है, और वो यहाँ पे इतनी एक महीने की, सॉरी थ्री मंथ्स की ईमेल्स जो है मुझे बता रहा है कि इनकमिंग ईमेल्स इतनी थी, उनमें से वायरस या अटैक्स या स्पैम जो थे वो इतने थे, कंफर्म वायरस इतने थे, कंफर्म स्पैम इतने थे, आउटगोइंग मैसेजेस जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से आउट की तरफ जा रहे हैं उनमें इतने मैसेजेस थे, सॉरी टोटल मैसेजेस इतनी ईमेल्स थी, उनमें से कुछ वायरस थे, कुछ स्पैम थे, वायरस नहीं थे, उसमें से कुछ थ्रेट्स थी. सो मुख्तलिफ चीजें आपको बता रहा होता है. फिर उसके बाद यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन आती है. ऑर्केस्ट्रेशन इज बेसिकली दी ऑटोमेशन. इसके अलावा यहाँ पे सिस्को एम्प जो मैंने आपको बताया था, सिस्को एम्प यहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्को एम्प है, और वही यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि ये 31 कंप्यूटर्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो हैं कनेक्टेड, उनकी इतनी एंटीवायरस अपडेटेड है, आउट ऑफ डेट कनेक्टर्स इतने हैं, कुछ डिवाइसेस को क्वारंटीन कर चुका है, कुछ डिवाइसेस जो हैं वो वल्नरेबल हैं उनमें. सो मुख्तलिफ डिटेल्स जो है वो आपको बता रहा होता है. इसी को आप फिर ऑर्केस्ट्रेशन में लेके जाते हैं. ऑर्केस्ट्रेशन में ये होता है कि ऑटोमेटिकली, यानी सॉर का काम करता है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड किस तरह से करेगा, दैट आई हैव नॉट कन्फिगर्ड टिल नाउ. तो उसमें आपको मैं कुछ बता नहीं सकता इस वक्त, तो लेकिन उसमें ये उसका डैशबोर्ड है. लेट्स कट इट शॉर्ट, लेट्स मूव ऑन टू आर लास्ट टू सेक्शंस, लास्ट यस इंपॉर्टेंट सेक्शंस. सो इस वक्त किसी ने अगर कोई ब्रेक लेनी है तो नेक्स्ट 10 मिनट्स की हम ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद हम हाफ एन आवर की कंटिन्यूएशन कर सकते हैं. Anyone required to have break? किसको लेनी है break? Sir, नमाज के टाइम है सर, तो हम 5 मिनट या 10 मिनट में नमाज पढ़ें. Sure. Let's have 15 minutes break. ठीक है sir. Thank you sir. Okay.
लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक है, तो अभी है 3:50, तो हम इसको कट एंड शॉर्ट करते हैं काम, क्योंकि आपको 15 मिनट्स उन्होंने दे दिए सजाद रजा साहब ने, तो 4:05 पे इंशाल्लाह वी शुड बी बैक अगेन एंड होपिंग दैट आप इतने टाइम में, इसका लिंक्स आपके साथ पहले से शेयर है, फिर भी मैं आपके साथ लिंक शेयर करता हूं कि आप अपने, अगर आपके कुछ दोस्त आखिर में आके इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे मे, यू मे सेंड देम दिस लिंक विच इज ऑन द चैट बॉक्स, सो दे मे ज्वाइन अस इन द लास्ट 10 to 15 मिनट, जो कि अराउंड 30 मिनट्स का टाइम है जो कि एक्सपेक्टेड है, तो उन तक आप ये लिंक पहुंचा दें ताकि वो भी ज्वाइन कर लें, ताकि मैक्सिमम एट द एंड एटलीस्ट वी शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल टू अस। तो ठीक है सर, इंशाल्लाह सर, ठीक है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक ये लिंक पहुंचा दें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वी शुड हैव एट द एंड एटलीस्ट वी शुड हैव, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट, बिकॉज इस किस्म के जेट के प्रोफेशनल्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन और उससे फायदा आपको लेना चाहिए। सो लेट्स हैव ए ब्रेक फॉर ए नमाज एंड एट 4:05 पे वी शुड बी बैक अगेन। ओके, आई एम नॉट डिस्कनेक्टिंग, आई एम नॉट डिस्कनेक्टिंग।
अस्सलाम वालेकुम सज्जाद रजा। वालेकुम अस्सलाम सर। मे वी स्टार्ट? एज यू विश सर। श्योर, इवन फिर शाम की नमाज का टाइम हो जाएगा तो इट इज नाइस के हम स्टार्ट ले लें। देखो इसको बैठे ना। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन क्विकली। ओके सर, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। ओके ओके फाइन। ओके वेलकम बैक एवरीवन। अच्छा जी, अभी हम जस्ट लास्ट टू सेक्शंस को कर लेते हैं जस्ट। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, वो एक भाई साहब जो थे उन्होंने कहा कि आपका लेक्चर जो है वो इतनी देर से शुरू हुआ है, तो हमें पता नहीं था, लेकिन ऑनेस्टली इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स एन इंटरेक्शन। तो अगर हम समझ कि कोई लेक्चर है, इट्स नॉट अ लेक्चर, इसके कोई पॉइंट्स नहीं है इसके कोई। सो आप लोग इसको कोई टीचिंग ना समझे, मैं आपके कोई एग्जाम में मार्क्स लगाने नहीं जा रहा। एनीवेज, अच्छा सो जितना कुछ भी, हेलो जी, यस जी, ओके, जितना कुछ भी हमने अभी तक मैं प्रेजेंट कर सका हूँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि दैट वाज द बेसलाइन, दैट व्हाट इज द आईसीटी इज ऑल अबाउट, वेयर इट इज स्टैंडिंग राइट नाउ, व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स, वेयर इट इज गोइंग टू बी, और अब जो है वो बिगिनर्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स, लाइक नाउ यू आर माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कि आप लोगों को अब शुरू कहाँ से करना चाहिए। लाइक मैंने जैसे सबसे पहले शुरू में आपको डिस्कशन में बताया था कि आज यहाँ पे मैं बैठा हूँ, 10 साल बाद कोई और जो है वो बता रहा होगा आप में से इंशाल्लाह कि अब क्या करना है। सो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स अ चेंजिंग प्रोसेस, तो ये जो है यहाँ से आप लोगों के लिए आजकल जो है होना चाहिए, और लाइक लिनक्स की बेसिक्स जो है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन और C++ और जावा जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। माय प्रेफर्ड लैंग्वेज वुड बी पाइथन, बिकॉज पाइथन जो है दैट इज द फादर ऑफ मॉडर्न ऑटोमेशन, सो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा कि आप लोग पाइथन करें। एनीवन कैन टेल मी कि आप लोग अपने अभी करिकुलम में क्या क्या कोर्सेस कर चुके हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम द CCNA, आप लोग अपने पाइथन, C++ या जावा किसी चीज में से क्या क्या कर चुके हैं? सर मैंने लिनक्स भी सर सीखा है, मतलब बिगिनर लेवल पे सर, और पाइथन सर, पाइथन तो मैंने सीखा है सर, सीखा भी नहीं बल्कि सर मैं पढ़ा भी रहा हूँ सर पाइथन, मैं कुछ माशाल्लाह भी है सर, और सर ये है सर। और इसके अलावा कोर्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? C++? यस सर, कोर्स में हमने C++ पढ़ा था सर। ओके ओके ओके, एनीवेज गुड, दैट्स ग्रेट, गुड, सही। Once you have the basis of the Linux and
पाइथन लेट सपोज आप चूज करते हैं लिनक्स और पाइथन, तो लिनक्स और पाइथन चूज करने के बाद आपकी आपकी जो नेटवर्किंग में स्टेप इन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ CCNA करना है। उसके बाद आपके लिए वर्टिकल्स जो हैं वो खुलते चले जाते हैं खुद ब खुद। मैं आज अगर मैं आपकी जगह पे स्टूडेंट होता तो शायद मैं CCNP ना करता अपने अपने टीचर की सुनने के बाद, मैं कोई और वर्टिकल सेलेक्ट कर लेता। अब वक्त ऐसा आ गया है कि आपको राउटिंग एंड स्विचिंग से आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन राउटिंग एंड स्विचिंग आप छोड़ नहीं सकते। CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग दैट इज द बेसिक, उसको आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए आपको करना यही है कि आपको CCNA करनी है, राउटिंग एंड स्विचिंग, गेट स्ट्रॉन्ग इन योर राउटिंग एंड स्विचिंग, जो कि आप नाम नया जो है वो एंटरप्राइज देते हैं, लेकिन दैट इज राउटिंग एंड स्विचिंग बेसिकली, बिकॉज दे कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द राउटिंग एंड स्विचिंग। तो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग कीजिए, उसके बाद कोई एक वर्टिकल चूज कर लें। अगर मेरे पास चॉइस हो, आपकी जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास चॉइस हो तो मैं साइबर सिक्योरिटी करूंगा। लाइक मेरा अपना वर्टिकल जो है मुझे अच्छा लगता है, सिक्योरिटी डोमेन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं चूज करूंगा। अगर आपको ऑटोमेशन अच्छी लगती है, पाइथन अच्छी लगती है, आप कहते हैं मैं ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहता हूँ, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, आप CCNA डेफिनेट कीजिए। उसके साथ बेसिक्स ऑफ द विंडोज सर्वर जो है वो जरूर कर लें, एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, DHCP, CA सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप की क्या सर्विसेज होती है। आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो फॉर द GPO डिटेल्स, GPO की डिटेल आज तक मैंने भी खुद से नहीं पढ़ी लेकिन डिटेल में, लेकिन ये बेसिक्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को जरूरी आनी चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पहली एक पिछली स्लाइड में दिखाया था कि यहाँ पे NAC डिवाइस जो है वो इंटरेक्ट करता है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के, एंड एक्टिव डायरेक्टरी इज अ रोल ऑफ विंडोज सर्वर। सो यू नो यू नीड टू नो एज ए नेटवर्क इंजीनियर द बेसिक्स ऑफ द विंडोज सर्वर। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर, ऑटोमेशन के लिए सर हमें हाउ मच प्रोग्रामिंग सर हमें चाहिए सर? ऑटोमेशन के लिए थारो प्रोग्रामिंग, ये पूछा आपने? यस सर। सही है, देखिए जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, सिंपल आंसर है, समझ आ गई ना आपको? अगर ऑटोमेशन की क्योंकि जिस वक्त ऑटोमेशन के लिए लोग कहते हैं ना कि नो नीड ऑफ दिस नो नीड ऑफ दैट, देखें कहीं ना कहीं जाके बंदा फंसता है। यू नीड टू हैव गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स, बेसिक प्लस इंटरमीडिएट, नॉट टू बी एक्सपर्ट। लाइक मैं एग्जेजरेट नहीं करना चाहता चीजों को कि यार आप नहीं कर सकते, लेकिन गुड टू हैव, क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग जो है दैट इज नॉट रटी रटाइल टाइपिंग, दैट इज लॉजिक, और वो लॉजिक जो होती है वो बेसिकली आपको इंटरेक्शन ऑफ द लाइब्रेरीज, इंटरेक्शन ऑफ द सिनारियोज एंड इंटरेक्शन ऑफ द नीड्स के साथ आपकी डेवलप होती है। सो इसलिए अगर आप ऑटोमेशन की साइड पे जाना चाहते हैं, इन्वेस्ट योर गुड अमाउंट ऑफ टाइम और योर ऑन योर लिनक्स एंड मोर अमाउंट ऑफ टाइम, गुड बेसिक टाइम, वेन एवर यू आर हैविंग गुड फ्री टाइम, गो फॉर द पाइथन, गो फॉर द इंटरेक्शन। लाइक मेरे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक इन 2011 एंड 12 व्हेन आई वाज डूइंग जावा सर्टिफिकेशन, जब मैं जावा की सर्टिफिकेशंस उस वक्त कर रहा था, तो दैट वाज इट टुक मी अराउंड, देखिए फाइनल, देखिए मैंने फर्स्ट ईयर में C++ पढ़ी थी, सेकंड ईयर में हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, थर्ड ईयर में हमने मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थी, फाइनल ईयर में मैंने जावा की थी। सो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामिंग। उसके बाद जब मैं
सर्टिफिकेशन के लिए बैठा, पाइथन की सर्टिफिकेशन करना जरूरी नहीं है, मैं आपको नहीं कह रहा आप सर्टिफिकेशन करें, लेकिन जिस वक्त मैं जावा की सर्टिफिकेशन करने के लिए बैठा था, तो मैं पहले दिन जाके 4 साल के एक्सपीरियंस पे, लाइक प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस पे, मैं वो एग्जाम पास नहीं कर सकता था। मैंने 6 महीने अगेन सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन की थी। सो इट्स डिफरेंट टू बी वर्किंग विद पाइथन एंड इफ इट्स डिफरेंट टू बी सर्टिफाइड विद पाइथन, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आपको कुछ बुक्स उठानी पड़ती हैं जिनमें सर्टिफिकेशन स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन वो वर्दी होते हैं फॉर योर फ्यूचर प्रोग्रामिंग लॉजिक्स एज वेल। सो बेसलाइन यही है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग पाइथन। So, अच्छा जी, बेसिक्स जो है वो हमने जस्ट मैंने इलेबोरेट कर दी आपको कि बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके क्या होने चाहिए, और लिनक्स और पाइथन की या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपकी बेस होनी चाहिए, प्लस आपकी CCNA होनी चाहिए, गुड टू हैव CCNA साइबर ऑप्स और डेवनेट, और डेवनेट ये आपकी स्पेशलाइजेशन की बिगिनिंग है। इसकी एग्जांपल अगेन मैं मेडिसिन से ही दूंगा, आपकी MBBS इज इक्विवेलेंट टू CCNA, इनफैक्ट इट इज नॉट, MBBS इज अ ह्यूज थिंग, CCNA को आप इक्विवेलेंट समझ लें MBBS का, साइबर सिक्योरिटी या CCNA DevOps आप समझ लें हाउस जॉब इन न्यूरोलॉजी या हाउस जॉब इन जर्नल सर्जरी और हाउस जॉब इन नेफ्रोलॉजी और हाउस जॉब इन आईज ऑफ्थमोलॉजी। सो उसके बाद फिर आप स्पेशल TMOship या MOship करते हैं फॉर दी FCPS या MRCP और PLAB और USMLE whatever। सो दिस इज योर MBBS, दिस इज योर हाउस जॉब, और उसके बाद फिर आप उसी फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं मोस्टली। मेरे जो दोस्त हैं या मेरे भाई जो हैं डॉक्टर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने इसी तरह से किया था। नाउ आई कम टू द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के स्पेशलाइजेशन ऑफ द नेटवर्किंग हो क्या सकती हैं। अगेन जैसे आपको मैंने बेसिक्स बताई थी, सैंडविच है डेटा सेंटर एंड द सर्विस प्रोवाइडर, आपका एक सैंडविच है। वर्चुअलाइजेशन जैसे VMware का नाम मैंने ले लिया, वो चीजें जो है दैट इफ यू क्लब इट टुगेदर यू आर नोन टू बी ए, या आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी वंस यू आर थ्रू द CCNA। CCNA करने के बाद जब आप आगे अपनी फील्ड को ही चूज करेंगे, आप कहते हैं मैं नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं सिस्टम्स इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो आपको क्या क्या पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपकी उसमें प्रीरिक्विजिट्स, अगेन दिस थिंग, लिनक्स है, पाइथन है, CCNA, विंडोज सर्वर, दैट्स अ मस्ट, वो आप यू कांट गेट रिड ऑफ दैट। उसके बाद फिर आपकी है मार्केट प्लेयर्स कौन कौन से हैं इस फील्ड में, सिस्को है, जूनिपर है, हुआवे है, VMware है, HP है, डेल है, वगैरह वगैरह, इसकी उनकी सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, दीज आर द सर्टिफिकेशंस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं उनकी और भी। उसके बाद आप अगर जॉब पे जाते हैं, व्हाट यू विल बी कॉल्ड, यू विल बी कॉल्ड एज अ नेटवर्क इंजीनियर, और ये मैं आपको US का पे स्केल बता रहा हूँ, ये मैं पे स्केल, रिमेंबर दिस इज नॉट फर्स्ट डे पे स्केल, दिस इज आफ्टर 5 years, 3 years, 3 years मिनिमम, 5 years एवरेज के बाद आपका ये पे स्केल बनता है, दैट इज $100,000 एन ईयर, नॉट अ मंथ, इट्स एनुअल, लेट मी राइट इट डाउन, आप लोग ये ना कहें मैं ये कौन सी जन्नत में बता रहे, दिस इज एनुअल, अगेन दिस इज ऑल्सो एनुअल पर एनम व्हाट यू कॉल।
coming back, आपको मेरे भाइयों सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है ना, आपने पे स्केल को नहीं देखना है कि मैं 5 साल बाद कमाऊंगा कितना। इम्पोर्टेंट चीज ये आप करना क्या चाहते हैं। आप अपनी बेसिक्स को कंप्लीट करें, उसके बाद आप देखें कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। प्लीज बेस लाइन मैंने आपको बता दी है, आप इस जो प्रेजेंटेशन है इसको एज ए बेस लाइन करियर के तौर पे रखें, और उसके बाद आप इसी से रेफर करते हुए, इसमें कोई वर्टिकल डिफाइन नहीं है। आप ये मुझे नहीं कह सकते कि यार इसमें तो तुमने पढ़ाया कुछ नहीं है। मैं आपको 10,000 foot व्यू ही दे सकता हूँ इतने टाइम में और इतने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को डिफाइन करने में। तो आप लोग इसको एज ए बेस लाइन रखें। जो भी आपको फील्ड पसंद है उसकी डिटेल्स को गूगल करें। गूगल जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका दूसरा बडी है वो। उसके बाद फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर एंड वर्चुअलाइजेशन। ये आपको मोर लाइक सिस्टम इंजीनियर बनाता है, या आपका डेटा सेंटर इंजीनियर आप कह लें। जॉब टाइटल जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन आपका ये एक पाथ है जिसमें आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, डेटा सेंटर आता है एंड वर्चुअलाइजेशन आती है। उसके मेन प्लेयर्स भी मैंने बता दिए हैं इसमें। बेसिक्स आपको पता है, प्रीरिक्विजिट्स आपको पता है, की प्लेयर्स कौन है इसमें। उसके बाद सर्टिफिकेशंस आपने कौन सी करनी है, आपका पे स्केल क्या होगा आफ्टर 3 to 5 years ऑलमोस्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका यही पे स्केल हो, ये आपका एवरेज है, हो सकता है ये 200,000 हो, कुछ भी हो सकता है, ये किस्मत पे है, ये एवरेज है। उसके बाद ऑटोमेशन एंड डेवऑप्स, लाइक मैं ऑटोमेशन एंड डेवऑप्स का चीता नहीं हूं, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स इसमें नहीं रखी ताकि मैं कोई गलत बयानी ना करूं। लेकिन ये एक लाइन है जिसमें कि आप एमएससी भी परसू कर सकते हैं और आप मार्केट में भी आके भी सिस्को के साथ भी चल सकते हैं और डेवनेट वगैरह भी कर सकते हैं। और आगे क्योंकि इसका सीसीआई जो है वो भी अनाउंस होने वाला है डेवनेट का, उसके कॉन्टेंट्स उन्होंने अभी तक डिफाइन नहीं किए, लेकिन इसका सीसीआई जो है वो भी डिफाइन होने अभी आने वाला है मार्केट में। ये कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं रिलेटेड टू दी सिस्को डेवनेट। इस पे जाके आप सिस्को का जो डीएनए है उसको आप लुक एंड फील कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगेन आई एम नॉट चीता ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो आई डिडंट पुट मच स्टफ इन दिस स्लाइड। लेकिन ये एक फील्ड है जो कि आप जैसे मेरे जवान बहन भाई जो हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे वक्त में तो इसका नाम भी नहीं था। उसके बाद ये माई बिलव्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो है दैट इज अ ह्यूज फील्ड। लाइक अगर आप सारी टेक्नोलॉजीज को तराजू के एक पड़ले में डाल दें और आप तराजू के दूसरे पड़ने में सिक्योरिटी को डाल दें, तो तराजू ऑफ द सिक्योरिटी जो है वो फिर भी भारी होगा, क्योंकि इट्स लाइक एवरी स्टेप पे आपको सिक्योरिटी से वास्ता पड़ता है। और लेकिन अगेन नेटवर्किंग अगर आपको नहीं आती, तो आपको जितनी भी मैंने आपको फील्ड्स बता दी हैं उसमें से आपको कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी। आप हमेशा जिंदगी में लड़खड़ाते रहेंगे अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं है, बेसिक सीसीएनए आप लेवल नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे आप दलदल में हो, सहरा में चल रहे हो, या आप कीचड़ में चल रहे हो, बिल्कुल आप इस तरह लड़खड़ाते रहेंगे। यू वॉन्ट बी हैविंग सॉलिड ग्राउंड। एनी क्वेश्चन हियर? जी सर, ये नेटवर्क ऑटोमेशन का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल सर, कौन सा बेस्ट एग्जांपल हो सकता है सर ऑटोमेशन का? यस सर, बेस्ट एग्जांपल सर ऑटोमेशन का, मैंने आपको एग्जांपल फ्रॉम द नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू जो दिया था दैट वाज एसडीएन, जो कि मेरी स्लाइड में यहां पे था। यहां नहीं, लेट मी चेक।
यहां पे था, ये देखिए ये एग्जांपल है इसकी ऑटोमेशन की, ठीक है सर। ठीक हो गया, ये नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। हो सकता है दुनिया में और कई एक तरीके से ऑटोमेशन यूज होती हो, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी नेटवर्किंग। ओके, फाइनली फाइनली यू हैव एंटरप्राइज नेटवर्क। एंटरप्राइज नेटवर्क में भी ये नेटवर्क और सिक्योरिटी का मिक्सचर होता है। हेयर इज हेयर वट आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, मैं एंटरप्राइज सिक्योरिटी का बंद, एंटरप्राइज नेटवर्क का बंदा हूँ। एंड नाउ आई मूव ऑन एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर। आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड एज नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंजीनियर, आई जस्ट वॉन्ट टू बी कॉल्ड एज सिक्योरिटी इंजीनियर। सो दिस इज माई गोल। और इस डोमेन से आप जब सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं तो फिर आप ये चीज बन जाते हैं, आपको ये सब कुछ पाथ करना पड़ता है। लाइक आई टुक माय अ लिटिल क्या आप कहते हैं लॉन्ग पाथ, आई केम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द नेटवर्क्स, और उसके बाद फिर अब मैं सिक्योरिटी की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि आज से 10 साल पहले अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। और दैट्स ऑल, लाइक आई नीड इंटरेक्शन, जस्ट माई लाइट स्लाइड्स। आप इसमें एम एस सी और पी एच डी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं इन कुछ फील्ड्स में, तो लाइक इनकी डेप्थ और इनके वर्टिकल्स में आपको नहीं डिफाइन कर सकता, क्योंकि उनके कोर्स कॉन्टेंट यूनिवर्सिटीज के होते हैं और मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को फेवर या अगेंस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी के कोर्स कॉन्टेंट यहाँ पे नहीं डाल सकता। और फाइनली टिल नाउ If you have any question, कोई like मुझे अपने UET के दोस्त की तरह समझे, मैं यहाँ पे आपको टीच करने कुछ भी नहीं आऊँ, आप UET के दोस्त की तरह इसलिए मुझे समझे क्योंकि आज भी जब भी हमारा दोस्तों का ग्रुप जो है वो आपस में बात करता है तो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट की जो सीढ़ियाँ हैं उस पे जहाँ पे वो हम थल्ले पे बैठ जाते थे वहाँ पे गप मारते थे, एग्जैक्टली Till now we remember that thing. So we are no different, we are no aliens. Humne kabhi UET mein achha time guzara, alhamdulillah. And after 10 years you will be speaking like this. Aur aapko jo bhi mujhe cross question karna hai, you are most welcome. Go ahead. Excuse me sir. Ji ji ji. सर मेरा एक सवाल ये कि टू बी अ नेटवर्क इंजीनियर क्या एमएस करना जरूरी है सर? नहीं, हम सर्टिफिकेशन देखें। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा? बस सर एक है, बस सर ये सर। हाँ नहीं, क्वेश्चन पूरा करें, सॉरी सर। सर मैं कह रहा था सर कि लाइक फॉर एग्जांपल के नेसेसरी कि एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए आपको कोई एमएस करनी चाहिए या बस अगर आप सर्टिफिकेशन कर लाइक सीसीएनए सीसीएनपी एंड सो ऑन लाइक जो सर्टिफिकेशन है, तो आई थिंक सर ये क्या हमें एमएस चाहिए? देखें मेरे भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि वेयर यू वॉन्ट टू सी यूर सेल्फ, इम्पोर्टेंट चीज ये है। दुनिया में या किसी भी कौम में एज ए नेशन सारे लोग, मैं आपको डिफाइन कर देता हूं चीजें होती क्या है। अगर आप पीएचडी करते हैं यू बिकम अ थिंकर, ठीक है। अगर आप सर्टिफिकेशंस करते हैं यू बिकम ए स्पेशलिस्ट, फाइन। अब देखें दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया की कोई एक कौम जो है वो सारे के सारे या तो थिंकर हो या सारे के सारे स्पेशलिस्ट हो, इट्स अ मिक्स मैच। और कौमों के लिए ये जरूरी भी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इज़राइल की, इज़राइल में बहुत एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद, इज़राइल में कोई अगर लेट्स सपोज 50 बंदों की क्लास है ना, तो उसमें वो डिवीजन करते हैं कि या टॉप 10 या टॉप 20 को वो रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। इसराइल हो गया, जापान हो गया,
सिंगापुर हो गया, इधर की यूनिवर्सिटीज का मैं कह रहा हूँ, वहां पे आपको वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर यू आर द टॉपर्स, यू शुड बी अ नेशन थिंकर, सो यू शुड गो फॉर द एमएस एंड पीएचडी, रेस्ट ऑफ द अदर पीपल शुड गो एज ए स्पेशलिस्ट. वजह उसकी क्या होती है, लेट्स से वो 50 बंदे आज से 5 साल बाद उनको टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करनी है, तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन जो है वो टॉप 20 में से कोई ना कोई कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि रेस्ट डाउन 30 जो स्पेशलिस्ट हुए उनमें से प्रोबेबिलिटी ये है कि वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी, जो मेंटल ट्रेनिंग होती है ना वो ऐसी होती है पीएचडी और एमएस की कि दे बिकम ए थिंकर. और वो आपकी छोटी सी चीज जैसे नया राउटिंग प्रोटोकॉल बना देंगे और वो बहुत अच्छा होगा, जैसे 1980s में बना था रिप राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा, ओएसपीएफ 90s में कहीं पे बना था, फिर उसके बाद बीजीपी आ गया, टिल डेट टिल नाउ यही तीन यूज होते हैं. लेकिन अब ऑटोमेशन आ गई, ऑटोमेशन आई उनके उसके लिए ना तो रिप सूटेबल था ना ओएसपीएफ सूटेबल था. बीजीपी सूटेबल था फॉर एस डी वैन और एस डी एक्सेस टू सम एक्सटेंट, लेकिन उनको नया राउटिंग प्रोटोकॉल डेवलप करना पड़ा, दैट वॉज नोन टू बी लिस्प. लिस्प एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि सिर्फ और सिर्फ एस डी एक्सेस के साथ चलता है, उसका नॉर्मल नेटवर्किंग में काम ही नहीं होता. तो अगर कोई थिंकर ना होता जो कि नेटवर्किंग की बेसिक्स उसको पता होती है फ्रॉम देयर बेस बीएस देन एमएस एंड देन पीएचडी, तो लिस्ट को डेवलप करने वाला कौन होता, कोई भी ना होता. अगर वो सारे के सारे सीसीएनए कर रहे होते या सारे के सारे जो हैं वो सीसीएनपी सीसीआई जूनिपर की सर्टिफिकेशंस सारे के सारे, अगर वीएमवेयर एनएसएक्स वीसीआईएक्स ब्ला 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 बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं वो सारे कर रहे होते, तो लिस्प को डेवलप कौन करता, ठीक है ना. और इंडस्ट्री के लोग वो होते हैं जैसे आज से 50 साल तो बहुत ज्यादा हो गए, 10 साल बाद आपको एक राउटिंग प्रोटोकॉल डेवलप करने की जरूरत पड़ती है, और आपका टॉपर जो है वो भी नेटवर्किंग की बेसिक्स को जानता है. आप जो है आज से 10 साल बाद एक नेटवर्किंग के माशाल्लाह चीते बन चुके हैं, ठीक है. आप उसके साथ शेक हैंड करेंगे, आप उसको बताएंगे भाई ये मेरी जरूरत है, इसका ये लॉजिक बनती है, तो तुम इसका एल्गोरिदम डेवलप करो. फिर वो प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामर जो उस वक्त का कोई प्रोग्रामिंग गीक होगा जो भी उस वक्त यूनिवर्सिटी में होगा उसको वो हायर करेगा और वो कहेगा यार मेरे लिए कोडिंग करो और ये चीज नहीं बनाओ. तो लॉजिक आपको जो है वो नेटवर्किंग वाला देगा, उस लॉजिक को प्रैक्टिकल करने के लिए आपका जो बंदा है पीएचडी वाला वो काम में आएगा, और उसके बाद फिर आखिर में आपका प्रोग्रामिंग करने वाला उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा. सो इट्स अ मिक्स एंड मैच फॉर द नेशंस. और आप लोग जो हैं वो भी इसी तरह से सेलेक्ट कीजिए कि आप सारे के सारे एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे दौड़ना ना शुरू कर दें. इवेल्युएट योरसेल्फ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इवेल्युएट योरसेल्फ नॉट ओनली फॉर योर करियर, फॉर पाकिस्तान, फॉर नेशन. वी नीड थिंकर्स, वी नीड स्पेशलिस्ट, एंड वी नीड ऑपरेशन गाइज एज वेल. अगर किसी ने कोई चीज बनाई है थिंकर ने, उसको डिप्लॉय किसी स्पेशलिस्ट ने कर दिया है, तो उसको ऑपरेट करने वाला भी कोई होना चाहिए. सो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आप नेटवर्किंग की फील्ड में जिस वक्त आप आएंगे स्टेप इन करेंगे तो आपको तीन लेवल्स मिलेंगे, दैट डजंट इंक्लूड द थिंकर्स, बट फर्स्ट लेवल होगा L1 उसको कहेंगे. L1 जो है दैट इज ऑपरेशन. L2 एंड L3, L2 इज बेसिकली स्पेशलिस्ट लोकल सपोर्ट, एंड L3 इज मोस्टली वेंडर सपोर्ट. दैट इज अगर कोई स्विच है वो खराब हो गया है तो उसकी
अल्टीमेट सपोर्ट जो है दैट विल बी गिवन बाय सिस्को, बाय एचपी, दैट विल बी गिवन बाय फोर्टीनेट, दैट विल बी गिवन बाय वीएमवेयर अगर उन एचपी का सर्वर खराब हो गया, लाइक दैट. सो वेरी गुड क्वेश्चन, आई क्लैप फॉर दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर आपकी बातों से भी मैंने यही मफहूम निकाला है और हमें खुद को भी ये बात पता है कि एक इंजीनियर के लिए प्रोग्रामिंग मस्ट है, उसको प्रोग्रामिंग आएगी तभी उसका कोई फ्यूचर भी बन सकता है या इंजीनियरिंग में स्पेशली. बेहतरीन. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर कोई टेक्निक्स, हिडन टेक्निक्स या कोई टिप्स वगैरह है तो वो आप हमें दे देंगे, हम अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसे इंक्रीज करें. सर मैं भी आपकी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ लेकिन मैं अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ. तो सर मैंने भी ऊप पढ़ी है और सी प्लस प्लस पढ़ी है लेकिन सर दोनों में ए ग्रेड देने के बावजूद भी हमें कुछ ऐसा अभी तक नहीं आता, हमें बिल्कुल बेसिक आती है. पेपर हमें दिए, हमें पता था शॉर्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, हम वो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले बस रट के चले गए हैं और पेपर में वही आए और हमने ए ग्रेड ले ली है. और लेकिन सर अभी मतलब कम्प्लीट प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती और फिफ्थ सेमेस्टर में हम पहुंच आए हैं, तो कुछ सर इस बारे में अगर गाइड कर दें तो. बेहतरीन मेरी बहन, जबरदस्त, वेरी टॉप क्लास क्वेश्चन, बेहतरीन. अच्छा, दिल को मेरे इसलिए लगा ये क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जब कहा ना कि आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो मुझे बिल्कुल वो जो इलेक्ट्रिकल का वो जो आईएसपी के सामने वाला पुराना आईएसपी का रूम था एकदम मेरे जहन में वो कॉरिडोर आ गया. तो खैर, आई जस्ट रीच्ड बैक टू यूईटी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से हम कभी भी नहीं निकल सकते, आप देख लीजिएगा. एनीवेज, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं डीसीएसई वालों से कोई दुश्मनी है मेरी या कोई, क्योंकि मैं क्रिकेट मैच में भी कभी भी डीसीएसई के खिलाफ नहीं लड़ा हुआ क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता ही नहीं था उधर ऑफिस यूनिवर्सिटी टाइम में. हाँ, डीसीएसई के मेरे दोस्त जो है वो कैफेटेरिया में, जो पैलेस्टाइन कैफेटेरिया हमारा है उसमें होते थे, बहुत बहुत दोस्त होते थे, अभी भी हैं. और अजमल और नेकमल और क्या नाम है उसका, अलीजान, आई डोंट नो, अल्लाह उनको जिंदगी दे, कौन कौन है वहां पे, कौन नहीं है. तो उनके साथ डेस्क हम बजाते थे बैठ के. एनीवेज, लेट मी कम बैक, जस्ट वेट सेक. अच्छा, विल यू गिव मी अ मिनट सजाद? श्योर, आई विल होल्ड माय आंसर, नो प्रॉब्लम सर. ओके, दिल अवेज. That's I want, because I am from the academics. I am also electric engineer, but I am teaching in the computer system engineering department. Why, that is another story. Your question is, मैं उसको करना चाहता था कि आपने कहा कि जी मैं programming तो मैंने ऊप भी किया, basic programming भी की, blah blah कुछ भी किया. तीन सेमेस्टर में मैंने तीन वो पढ़े, ए ग्रेड भी लिया, लेकिन वो तश्ने की खत्म नहीं हुई कि मैं प्रोग्रामर नहीं हूं. एटलीस्ट द आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी पेशेंट. नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्रामर नीड टू बी वेरी 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 पेशेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल दैट आई वॉज डूइंग सम प्रोग्रामिंग टास्क एंड दैट प्रोग्रामिंग टास्क टुक मी प्रॉबली, ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ा लंबा टाइम है, मैं नहीं कहता कि इट हैपेंड इन ए सिंगल डे, लेकिन नहीं हो रहा था. तो विच मीन्स या तो मैं उसको उठा के बाहर फेंकता कि जी ये नहीं होता. तो नहीं, प्रोग्रामर नीड टू बी वेरी पेशेंट. नंबर टू, आप अगर आपका कोई टीचर, जो कि मुझे नहीं पता, मुझे इस वक्त आपका, आप फिफ्थ सेमेस्टर में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स इस बार ऑफर हो रहा था इलेक्ट्रिकल में, और लेकिन मुझे लास्ट डे पे कहा गया कि जी आप इलेक्ट्रिकल में अगर पढ़ा दें डेटा स्ट्रक्चर तो डेट इज नाइस. तो मैं आखिरी दिन पे नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे देना है तो पहले से देते, एक महीना का टाइम होता फॉर एग्जांपल, एंड मैं उसको प्लान करके जाता, ऐसे नहीं मैं जाके तो टाइम जाया करना चाहता. तो होना ये चाहिए था कि आप किसी ऐसे टीचर के साथ अपनी एफिलिएशन बनाएं जो कि आपको टास्क दे और उस टास्क को आप अकम्प्लिश करने की कोशिश करें. जो जो आप, जिसको हम प्रोजेक्ट्स कहते हैं, तो जो जो आप ये प्रोजेक्ट्स करती जाएंगी तो आपकी ये स्किल जो है वो डेवलप होती जाएगी, कि आप पेशेंट भी होती जाएंगी. और जब आप उसके पास जाएंगी, मिसाल के तौर पे अगर मैं अगर आपको कहूं सजाद रजा कि आप प्रेजेंटिंग से ना करें, प्रेजेंटिंग को खत्म कर दें, आई शो यू जस्ट ए सिंगल टास्क, ताकि दिलावेश का ये बात जो है वो क्लियर हो जाए
एंड होपिंग दैट सज्जाद रजा फिर उसको फर्दर वो भी कर सकेंगे इस बात पे फर्दर बात कर सकेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मैं स्टूडेंट को बार बार कहता हूँ कि इधर यू हैव टू गो फॉर ए प्रोग्रामिंग और यू हैव टू बी ए वेरी वेरी गुड मैथमेटिक्स एट योर बैक विच इज अनफॉर्चुनेटली एट द नेशन वी डोंट हैव. एंड थर्ड इज द स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस विच इज प्रोबेबिलिटी एंड वी आर जीरो इन दिस फील्ड एज वेल. बिकॉज व्हेन आई वेंट अब्रॉड आई फाउंड वो मुझे तो कुछ भी नहीं आता. अल्दो के इलेक्ट्रिकल में पढ़ने के बाद मैं नहीं कहता इलेक्ट्रिकल बुरा है, आई एम द ग्रेजुएट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट. आई वेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन है जिसको या इदारा है बाय द नेम क्या है इस्लामाबाद में जो के डॉक्टर शुएब शुएब डॉक्टर शुएब और डॉक्टर नेस्पार्क. नो 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 नहीं वो वहां पे काम काम नहीं वहां पढ़ाते हैं. नाउ इट हैज बिकम यूनिवर्सिटी. Seekers. Not the Seekers. Not the Seekers. Okay. Case. Okay. तो जब वहां मैं गया तो मुझे पता चला कि एक क्योंकि वहां हम जैसे हमारी टीचर हमारी बदकिस्मती है कि हमें वो टीचर मिलते हैं जो कि इधर मास्टर करते हैं या बैचलर करते हैं या पीएचडी करते हैं आते हैं और अगले दिन पढ़ाना शुरू कर देते हैं. They don't have the experience of the industry. केस में सिर्फ ये बाखूबसूरती है कि उनका हर टीचर सुबह 9 to 4 रिसर्च कर रहा होता है बाय द नेम केयर और 4-5 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़ा रहा होता है. तो उस बंदे ने मिसाल तौर पे प्रोग्रामिंग जिसे मैंने पढ़ी उस बंदे ने बताया कि जो अल खालिद टैंक है उसकी प्रोग्रामिंग उसने की है. तो आप खुद खुद सोचें कि उस बंदे का क्या कैलिबर होगा. आई थिंक दिलावेश शायद तो लीव कर गई है प्रॉब्ली. आर यू हियर? ओके यू आर लिसनिंग टू मी. ओके तो द क्वेश्चन इज के आप किसी मिसाल के तौर पे मैं आपको ये दे रहा था कि आई एम प्रेजेंटिंग नाउ. या आई वाज डूइंग दिस प्रोग्रामिंग टास्क फ्रॉम द मेनी डेज आई टुक एंड देन आई वाज इन मीटिंग विद माय प्रोफेसर हु इज इन पोर्टुगल और ड्यूरिंग द इसके प्रोसेस के दौरान मुझे पता चला कि जी वो मैंने वो टास्क कर लिया है एंड आई वाज वेरी रियली हैप्पी. अभी आपको नजर आएगा इट इज ए वेरी गुड टूल व्हिच इज कॉल्ड मैपल which simulates or emulates the mathematical modeling which is used for mathematical modeling. So aapka level jo hai wo yahan pe pahunch jaye ki aap kisi bhi cheez ko model kar sake. Misal ke taur pe maine isko alag alag in cheezon ko karta raha aur main batata raha ki ji dekhiye ye bhi ho raha hai ye bhi ho raha hai and uske main aage badhta gaya aur koi mujhe nahi keh sakta tha because it had been done for the first time by me to mujhe koi nahi keh sakta tha tum galat ho. Ab problem ye aaya ki jab maine unko comparison mein laya तो पता चला कि कुछ चीजें तो बड़ी जबरदस्त मैच कर रही हैं. मिसाल के तौर पर अभी आपको देखो कितनी लंबी लंबी क्वेश्चन नजर आ रही हैं. ये अगर मैं बैठ जाऊं मैं हाथ से करने में तो इट मे टेक मंथ्स. सर आपकी टूल स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी. नहीं हुई. ये मैं दोबारा करता हूं. प्रेजेंट नाउ योर एंटायर स्क्रीन. ओके ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट को हम जब भी कहते हैं कि आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाओ लेकिन बार बार कहता हूं कि ये काम है उन लोगों का जिन सबर है. हाँ. जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग है. यस बट यू हैव टू बी क्रिटिकल थिंकर. इसराइल क्यों इतनी सा मुल्क है और पूरे इस्लामी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है अदर वर्ल्ड आई शुड से. आज सऊदीया भी उससे डरता है यूएई भी उससे डरता है और सैयद रजा जो है वो उस वक्त यूएई में बैठा हुआ है खफा हो जाएगा हमसे. लेकिन हमें पता है कि वो चाहे कोई भी दूसरा मुल्क है वो उससे डर रहा है. अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को उसने अपने मुट्ठी में किया हुआ है. तो ये देखें जी ये मैं प्लॉट्स लाजमी तो प्रोग्रामिंग करके प्लॉट्स निकाल रहा था. आई वॉज हैप्पी कि जी प्लॉट्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन फाइनली व्हेन आई कंपेयर्ड समथिंग लाइक हियर देखिए दिस इज ऑल बिहाइंड इज द प्रोग्रामिंग टास्क व्हिच इज गिविंग मी द रिजल्ट्स. सॉरी आई एम रॉन्ग. मैंने खोला हुआ है. मैंने टेस्टिंग उसको खोलना था. टाइम बेस्ड असेंबलिंग. या सर ये मैटलैब की फाइल्स है? नो दिस आर द मैपल. अच्छा मैपल है. ओके ओके जी. ओके तो आप देखें ना इसमें आपने जीरो से इंफिनिटी तक अगर आपको कोई कहे कि जी इसको आप वो करें सम अप करें और उसमें देखें आपको इसके कितने n है फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस 1 इट इज नेवर पॉसिबल. लेकिन By using, देखे आप मैंने इसको प्लॉट करके बताया कि जी किस तरह आपकी वैल्यू तब्दील हो रही है या आपके पैरामीटर्स तब्दील हो रहे हैं. तो इट वॉज गिविंग मी समथिंग गुड. लेकिन जब मैंने इसको कंपैरिजन में लेकर आया तो बाजगों पे तो इट वॉज वेरी नाइस. बाजगों पे इट वॉज वेरी वेरी नाइस. लेकिन 3D प्लॉट्स एंड ऑल दिस
लेकिन मैं नीचे आके जिस चीज का आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा पेशेंस का चेक था कि वो रिजल्ट्स नहीं मैच कर रहा, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में नहीं आ रहा। ये कोई 160-170 इक्वेशन के बाद ये चीज आपको सामने आएगी। दिलावेज एक मेरी स्टूडेंट भी थी, मैं ज्यूम कर रहा था ये वो है जो कि इलेक्ट्रिकल में ही थी, शायद आप लोगों की क्लास में थी। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिलावेज के दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर, यानी दो ग्राफ मैंने दो डिफरेंट मेथड से निकाले और दोनों ने एक ही रिजल्ट दे दिया जो कि पहले नहीं दे रहे थे। रिजल्ट जो थे दे वर मिसमैचिंग। मिसाल को देखें, दिस इज आल्सो इन ए मैच, ये आप देख सकते हैं कि पीएमएफ जो है दैट इज मैचिंग विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लेकिन जब मैंने इस जगह पे आया और इसको प्लॉट किया तो आई गॉट समथिंग, या हियर यू कैन लुक कि द थ्री ग्राफ्स, दो जो है एक दूसरे का मैच कर रहे थे, तीसरा मैच नहीं कर रहा प्लॉट में, बट देयर वाज सम एरर। नाउ हियर इज माय क्रिटिकल थिंकिंग कम्स अप, हियर माय पेशेंस कम अप, एंड आफ्टर मी माय पेशेंस एंड एवरीथिंग I went back to this and now the two are mapping, matching exactly as you can see here. So the question is, and with this, I am really happy. How I did it, this is another question. This is not important for the time being. Because, लेकिन important ये है कि आपने patience होना है, critical thinker होना है और किसी अच्छे instructor के साथ अपने आप को थोड़ी देर के लिए रखना है जो कि आपको task देता रहे। तो ये नहीं कि वो आपको पढ़ाएगा, आपको टास्क देता रहे, प्रोजेक्ट देता रहे, आपको मिलाता रहे अपने साथ। और डेफिनेटली जो कीमत किसी प्रोग्रामर की है वो मेरे नजर में वो किसी के नहीं, बिकॉज वो बड़ा बला की चीज है। क्योंकि मैंने जिस प्रोग्रामर को देखा है वो मुझे कामयाबी के अलावा उसका में कुछ नजर नहीं आया। यस ट्रू। ओके तो आई स्टॉप हियर। इफ यू आर यू एग्री विद मी दिलावेज आर नॉट, आर यू हियर स्टिल? या Agreed. Okay. So I stop sharing my screen and I give the mic back to Sajjad Raza. तो अगर वो उसको add करना चाहते हैं तो definitely he can add. Sure. Sir, जो कुछ आपने फरमाया मैं इसको यहाँ पे second करता हूँ। इसमें दो चार चीजें जो हैं वो मैं आप लोगों को tips दे दूँ, जैसे दिलावेज ने कहा था। हाँ, first of all दिलावेज आपने पूछा, दिलावेज आपकी student थी, हमसे वो दो साल जूनियर थी, मेरी क्लास फेलो नहीं थी वो, इलेक्ट्रिकल में, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दिलावेज ने जो ये क्वेश्चन किया ना कि टिप्स आपको दे दूं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको कोर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर में आपने कौन सी बुक पढ़ी है दिलावेज? सर बुक का नाम तो याद नहीं है अभी मुझे। बुक का नाम याद नहीं है? यस सर। इधर इसने इस्तेमाल किया है ऊप्स की, उसकी किताब रॉबर्ट लाफोर की, और okay. नहीं इस्तेमाल की तो इसने इस्तेमाल की है हाउ टू प्रोग्राम बाय डिटेल एंड डिटेल डिटेल। ओके ग्रेट, डिटेल डिटेल जो है ओके कंटिन्यू सजाद रजा साहब। ओके अच्छा, इसमें एडिशन ये है, जो बेसिक कोर्स होता है सबसे पहले यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आप जज्बाती मिजाज के लोग हो तो मोस्टली वो लोग प्रोग्रामर नहीं होते हैं क्योंकि उनका मिजाज नहीं होता वो। एनीवेज तो अगर आप बेस जो कोर्स आप कर लेते हैं उसके बाद, देखिए मैंने जैसे आपको बताया फर्स्ट ईयर में हमें कोर्स कराया गया, आई थिंक माई स्कोर वॉज 88 और 89 आउट ऑफ 100, दैट वॉज एनुअल सिस्टम एट दैट वेरी टाइम। सेकेंडली, और उसको मैंने सीखा कैसे, क्योंकि पहला जो चार महीने थे हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मे जो फर्स्ट ईयर का था उसमें हमारे सर के ऊपर से गुजरती थी प्रोग्रामिंग। हुआ क्या, मैंने वही अपनी बुक उठाई और मैंने उसको अपनी गर्मी की जो छुट्टियां थी, आई डोंट नो आप लोगों का गर्मी की छुट्टियां उस तरह से होती हैं या नहीं, या कोर्स आपको लेना पड़ता है, गर्मी की जो छुट्टियां थी हमारी उसमें मैंने बैठ के वो खुद की थी। देयर इज अ ट्राइंगल दिलावेज, एवरीथिंग व्हेन यू वांट टू लर्न देयर इज अ ट्राइंगल, द टीचर, द बुक एंड यू योर सेल्फ। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर।
ओके गुड। आई थिंक बहुत सारे और लोग जो है वो भी दिलावेस के क्वेश्चन से एग्री करते होंगे, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब उसमें सेकंड पॉइंट जो है यू योर सेल्फ वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारी बहुत सारी, मैं ये नहीं कहता नई नेशन में प्रॉब्लम है, वो मेरे क्लास फेलोज में भी प्रॉब्लम था। लेटर ऑन सेकेंड ईयर में मैं बाय गॉड कोई प्रोग्रामिंग मैंने नहीं सीखी, मुझे याद है। थर्ड ईयर में मैंने डिटल उठाई, हमारे पास थर्ड ईयर में कोई कोर्स नहीं था, गर्मी की छुट्टियां आई, मैंने डिटल उठाई, मैंने डिटल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि डिटल में होता क्या था कि हमारे जो पहले 5 चैप्टर थे ना फर्स्ट ईयर में हमें वो पढ़ाए जाते थे, अगले 5 नहीं पढ़ाते थे। पहला 5 चैप्टर थे क्या, पहला चैप्टर था बेसिक्स थी कुछ, उसके बाद फिर सेकंड था ऑपरेटर्स, थर्ड था आई थिंक फाइल्स, फोर्थ था फाइल्स नहीं थी वो लूप्स, देन एरेज, एंड फिफ्थ वन वाज पॉइंटर्स। ठीक है, ये 5 चीजें आप पढ़ते हैं, उसके बाद फिनिश हो जाता है आपका ईयर भी या सेमेस्टर भी जो भी। ठीक है, उसके बाद जो आपका सिक्स्थ, आई डोंट नो विच वर्जन यू आर यूजिंग, लेकिन 6 से ऑनवर्ड्स जितना है वो मैंने थर्ड ईयर में खुद पढ़ा। सो आपको वो खुद पढ़ना पड़ेगा। प्रोग्रामर जो है वो आपका जो वो होता है एल्मा मेटर होता है या जो यूनिवर्सिटी होती है, वो आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकती। वजह उसकी ये है कि उन्होंने 4 साल में 32 या 36 कोर्सेज जो है वो कंप्लीट करने होते हैं, और वो बेसिक्स हैं, वो सारे नेसेसरी हैं। तो एक्सक्यूज मी, तो वो सारे, वो अगर आप किसी भी चीज में चीता बनना चाहती हैं तो, या बनना है आपको, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में मैंने वो किया, खुद किया, जिसमें के कोई ऑपरेशनल ओवरलोडिंग और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म एंड ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या था। आई रिमेम्बर 9th चैप्टर वॉज इनहेरिटेंस और 10th चैप्टर वॉज पॉलीमॉर्फिज्म, जो मेरे पास उस वक्त डिटेल एंड डिटेल थी। ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर फाइनली अगर आप C++ की ही लाइन पे रहना चाहती हैं तो, अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, आप जिस सेमेस्टर में, यू आर नाउ इन द थर्ड ईयर, इफ यू हैव द बेसिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सी, यानी प्रोग्रामिंग, सी जो है दैट इज द मदर ऑफ दैट, तो वो अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, स्टार्ट पाइथन इफ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द ऑटोमेशन डोमेन। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहती हैं, आप सी ही करना चाहती हैं और आपको लेटर ऑन ऑटोमेशन साइड पे नहीं जाना, तो फिर पाइथन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं हूं, अगर आप मुझसे पूछें तो शायद मैं सारी जिंदगी पाइथन नहीं करूंगा। वजह उसकी ये है कि मेरी जो सिक्योरिटी की फील्ड है उसमें ऑटोमेशन की जो प्रोग्रामिंग है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं मालवेयर को किस तरह से डिटेक्ट करता हूँ, सीम को मैं कैसे समझता हूँ, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू माइट एग्री विद मी, यू गर्ल्स एंड गाइस। सो एनीथिंग एल्स तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले। यस सर। जी 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 सलमान बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सर साइबर सिक्योरिटी में जाना है इंशाल्लाह, तो सर मुझे अभी एमएस करना चाहिए, मैंने अभी मेरा बीएस अभी कंप्लीट हो गया सर। हाँ? तो मुझे एमएस करना चाहिए, कोर्सेज करना चाहिए सर मुझे। ओके मेरे, आपने एनए की हुई है, सीसीएनए की हुई है? यस सर, सीसीएनए भी की हुई है और अभी सर साइबर ऑप्स एसोसिएट भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है सर। ओके फाइन ग्रेट, मैंने कोर्स कंटेंट्स ऑफ द, बल्कि आप एक काम करें, आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है ना, आप इस तरह करें, एक मिनट मैं ये लिख लूँ, हाउ टू जंप टू साइबर। ठीक है, दिलावेज का क्वेश्चन था हाउ टू बी C++ मास्टर। ओके ओके अच्छा, सलमान के क्वेश्चन पे आते हैं। सलमान भाई इस तरह से है, देखें आपको अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी है फर्स्ट, सेकंड साइबर ऑप्स का कोर्स अगर आपने कर लिया है या कर रहे हैं, डू इट, बहुत अच्छी बात है, कर लें।
उसके बाद फिर आप कोशिश करें, अगर करना चाहते हैं तो CH करें. लाइक आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द सिस्को प्लेटफॉर्म, लाइक आई एम टॉकिंग फ्रॉम द सिस्को प्लेटफॉर्म, नॉट फ्रॉम द EC कौंसिल, लेकिन CH आपको करनी चाहिए. आप मुझे ये बताइए, आप एज ए थिंकर एडवांस करना चाहते हैं या चलें ठीक है, साइबर ऑप्स में मेरे ख्याल में ये चीज ठीक है. आप CEH करें एंड देन मूव ऑन टू MS. MS इज वेरी गुड. मैंने देखा है, आई थिंक रिफा में बहुत अच्छा MS ऑफर हो रहा है साइबर सिक्योरिटी का, रिफा इंटरनेशनल में. इसके अलावा एक और जगह पे पाकिस्तान में अच्छा ऑफर हो रहा है, एयर यूनिवर्सिटी सर, एयर में, एयर के कौन, हाँ एयर यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल याद आ गया मुझे, एयर यूनिवर्सिटी में. फिर आप अपना ये स्टेप ये सोचें कि आप मार्केट में किस तरह से आएंगे. मैं आपको दो चीजें बता देता हूं. आप पहले MS करते हैं या वो चीज जो पहले मैं बता रहा हूं वो करते हैं, ये आपकी मर्जी है. या आप पैरेलल में कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आप कितना इंजेस्ट कर सकते हैं. आपने पहले तीन स्टेप करने हैं, CCNA, साइबर ऑप्स, CEH. देन ईदर स्टार्ट OSCP, आई थिंक OSCP ही है, OSCP, या मैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. OSCP का नाम सुना हुआ है आपने? नहीं सर, नहीं सुना. नहीं सुना हुआ, मैं बताता हूँ आपको. OSCP करनी जरूरी है. प्रेजेंट नाउ योर एंटायर स्क्रीन, लेट मी ग्रैब माय माउस क्विकली. ठीक है, ये देखिए OSCP एंड SANS इंस्टीट्यूट. Offensive security. और finally, I would recommend CEH iLabs. CEH. CEH है. सर CISSP और CISM ये भी सिक्योरिटी के कोर्सेज है ना सर? जी जी जी. ये किसका क्वेश्चन है, सलमान का? मेरा यस सर. ओके ठीक है, मैं असल में आपकी स्क्रीन नहीं देख रहा तो मुझे नाम साथ बता दीजिएगा. अच्छा देखें, इन डेप्थ जब आप जाते जाएंगे, मैं सारी चीजें तो साइबर सिक्योरिटी का आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको स्टार्ट यहीं से करना है. बेशक आप लिख लीजिए इसको, CCNA कीजिए, साइबर ऑप्स कीजिए, CEH करें, उसके बाद फिर आप, हाँ CEH करने के लिए आपको एक चीज जो है वो नॉर्मली लोग नहीं बताते, वो आपको करनी जरूरी है, वो है CEH iLabs. CEH iLabs जो है ना, That is basically 6 months के लिए आपको ये remote access मिलता है. That cost you $200 for 6 months. और इसमें आपने जो CEH का course पढ़ा हुआ होता है, उसको आप practically करते हैं कि यार attack किस तरह से होता है, defense किस तरह से होता है, और आपकी फुटप्रिंटिंग किस तरह से होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी उसमें डोमेन्स है CEH की. तो वो आप कर लेते हैं, और ये आप जरूर कीजिए अगर आप लाइक मेरा अपना शौक है, मैं नेटवर्क सिक्योरिटी का बंदा हूँ, नाउ आई एम मूविंग टू द साइबर सिक्योरिटी इंशाल्लाह. तो ये आप जरूर कीजिए, CEH से स्टार्ट कर लें, iLabs साथ करें. हाँ
उसके बाद आपके पास चॉइस है आप किस तरह से करना चाहते हैं। अब मैं आपको मॉनेटरी वाइज बात करता हूँ। दुनिया में अगर साइबर सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा पे है तो वो है जिन लोगों ने सीएच के बाद सैंस की सर्टिफिकेशंस की नहीं है। लाइक मैंने अभी तक देखा है साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में जिन लोगों ने सैंस इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेशंस की हैं सबसे ज्यादा उनकी सैलरी होती है। इसके अलावा आप कर सकते हैं ओएससीपी। ये प्योरली पेनेट्रेशन टेस्टिंग है क्योंकि आपकी जो साइबर सिक्योरिटी होती है ना उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, दूसरा होता है पेनेट्रेशन टेस्टिंग। इसको टोटल मिला के कहते हैं VAPT, ठीक है। एंड दैट इज वेरी हॉट टॉपिक ऑफ द इंडस्ट्री टुडे। मैं थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक रासल खेमा में एक कंपनी थी, सीमेंट की फैक्ट्री थी, तो उन्होंने अपनी VAPT करवाना था तो हम लोग उसके लिए गए हुए थे। तो हम लोगों ने VAPT तो कर दिया लेकिन हमारे पास सॉरी VA हमने कर दिया, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमने कर दिया लेकिन पेनेट्रेशन टेस्टिंग हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हम में से कोई एक्सपर्ट ही नहीं था, ठीक है ना। तो अगर आप सीएच कर लेती हैं यू बिकम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एक्सपर्ट, ठीक है। अगर आप ओएससीपी कर लेते हैं यू बिकम पेनेट्रेशन टेस्टिंग मास्टर, ठीक है। तो अगर आप दोनों कर लेते हैं यू आर मास्टर ऑफ द VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग। सो उसके लिए आपको लोग जो है वो लगे हाथों लेते हैं। वही वही लाइक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आपको ये है कि आप कहलाते हैं इधर आपने रेड टीम और ब्लू टीम, साइबर सिक्योरिटी रेड टीम्स एंड ब्लू टीम्स का नाम सुना होगा, किसी ने सुना है नाम? रेड हेलो, टीम और ब्लू ब्लू टीम कभी नहीं तो नहीं सुना? सुना सर, ओके नो ब्लैक वरी। हैट और व्हाइट हैट ये सुना है सर। ब्लैक ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट इथिकल हैकर्स, ये बिल्कुल इस तरह से है कि रेड टीम एंड ब्लू ये इथिकल हैकर्स ही होते हैं। ये इथिकल हैकर्स जो हैं कभी ब्लू टीम में अपना करियर स्टार्ट करते हैं और रेड टीम में जाते हैं। ब्लू टीम मोस्टली आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करती है, रेड टीम जो है वो पेनेट्रेशन टेस्टिंग, बल्कि ब्लू टीम ही वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग करती है। ब्लू टीम जो है, ब्लू टीम बिफोर अटैक ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पोस्चर देख रही होती है। रेड टीम जो है वो आफ्टर अटैक जो है वो देख रही होती है कि ब्लू टीम ये बताती है आपको कि यार हम अटैक से किस तरह से बच सकते हैं। रेड टीम जो है उसका काम ये होता है कि अटैक हो चुका है इन द पास्ट, वो क्यों हुआ था वो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसके लिए आपके लिए आपके पास अगर आप सीएच करते हैं और ओएससीपी करते हैं तो यू बिकम पार्ट ऑफ द ब्लू टीम कि यार आप किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को अटैक से बचा सकते हैं। अगर आप रेड टीम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं कि यार क्यों हुआ था, तो ईसी कौंसल, ईसी कौंसल एक है, उसका एक और प्रोग्राम होता है उसका नाम है CHFI। CHFI कहाँ से मिलेगा प्रोग्राम? ये रेड टीम के इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। ये इसका नाम ही इन्वेस्टिगेटर है, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर सर्टिफिकेशन। कि यार ये आपको बताते हैं कि ये अटैक हुआ क्यों था, हमारे पास क्या कमजोरी थी जिसकी वजह से ये अटैक हुआ है। ये मैंने हाई लेवल ओवरव्यू दिया आपको। हो सकता है आप सीएच और ओएससीपी करने के बाद इतने चीता हो जाएं कि आपको लोग रेड टीम में भी रखें, और बाय गॉड ब्लू टीम की सैलरी थोड़ी उतनी ही होती है ऑलमोस्ट, मैंने एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, उतनी ही होती है ऑलमोस्ट जितनी की रेड टीम की होती है क्योंकि उनका रोल डिफरेंट है। वो प्री असेसमेंट करते हैं, वो पोस्ट असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा एनफ फॉर दी साइबर सिक्योरिटी सलमान या कुछ और भी? यस सर, सर बस आखिरी क्वेश्चन है सर मेरा हाँ बताइए। ये सर, बस सिर्फ कोर्सेस करूँ कि इसके साथ जो सर्टिफिकेट है वो भी कर लो सर।
देखो देखिए मेरे भाई, कोर्सेज से क्या मुराद है आपकी? कोर्सेज से मुराद सर के बस सिर्फ कोर्स कर लूँ, मतलब सर्टिफिकेट वो एग्जामिनेशन ये सब कुछ ना करूँ। यार आपको फिर इंटरनेशनल मार्केट में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, यस सर। प्रॉब्लम ये आ जाता है। देखो जैसे मेरी सीवी है, मैं आपको अपनी सीवी जो है वो थोड़ी सी दिखा दूंगा। उसमें जब तक मैंने सीसीएनपी किया हुआ था तो सीसीआई का काम मुझे आता था। हायरार्की है ना सिस्को की, सीसीआई और सीसीएनपी का तो पता होगा आपको ना, यस राइट? सर पता है। यस फाइन, सर यस तो सीसीएनए से शुरू होती है कहानी। प्रोफेशनल सीसीएनपी है और एक्सपर्ट जो है वो सीसीआई है, ठीक है ना? अगर जब तक मुझे काम आता था सीसीआई का, लेकिन मुझे लोग जॉब नहीं देते थे क्योंकि यार तुम्हारे पास टैग नहीं है सीसीआई का। अपनी अपनी जो लाइन है ना, उसमें ये ना कीजिए कि मुख्तलिफ फ्लेवर्स की चीजें जो है वो इकट्ठी कर लें। लाइक एक ही हांडी में आपने बैंगन भी डाल लिया और मटर भी डाल लिए और गाजरें भी डाल दी, सब कुछ। आप एक हांडी पकाएं, मटर गोश्त पकाएं और उसी को मजे लेके खाएं, ठीक है ना? यस सर। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि आपने नौलखा नहीं बनाना, क्योंकि बहुत सारी कश्तियों के जो सवार होते हैं ना, वो आखिर में डूब जाते हैं, या फिर आप पे जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी के हेड मैक्सिमम लग के रिटायर हो जाएंगे, और आपसे जूनियर एक्सपर्ट्स आएंगे, वो आपको बातें सुनाते हुए चले जाएंगे। बी एन एक्सपर्ट्स ऑफ समथिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का हेड होने के लिए पहले एक्सपर्ट किसी एक लाइन का होना जरूरी है। जैसे लेट सपोज मेरे पास, मैं अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन देखें, जैसे उस दिन एक जॉब ऑफर आई थी मुझे, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, कैनेडियन हॉस्पिटल दुबई, ठीक है? उसकी उसकी जो एचआर थी, उसने मुझे फोन किया। उसके उसकी सिर्फ मैंने रिफ्यूज इसलिए कर दिया था कि मुझे सैलरी उतनी ही ऑफर कर रही थी जितनी मैं ले रहा था ऑलरेडी अभी, तो उसका पैकेज मुझे पसंद नहीं आया, मैंने रिफ्यूज कर दिया। उसमें काम क्या था? उसमें ये था कि एंटरप्राइज का मुझे मैनेजर मैनेजमेंट की जॉब थी। उसमें ये था कि मुझे डिप्लॉयमेंट नहीं थी करनी, लाइक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी जो मेरा डोमेन है, वो मुझे डिप्लॉयमेंट नहीं थी करनी, लेकिन उसके साथ उसको देखना था, ऑपरेशनल टास्क देखनी थी, प्लस मुझे उसका देखना था कि सिस्टम पे क्या हो रहा है, जो कि विंडोज के सर्वर्स चल रहे हैं, सिस्टम्स स्टोरेजेस पे क्या हो रहा है, वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं वहाँ पे, वो किस तरह से काम कर रही हैं, उनकी ऑपरेशनल हेल्थ, उनके उनकी जो क्या उसको कहते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद द वेंडर्स, इस तरह की जॉब्स जो हैं उस पे आप एंड अप हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं, लेकिन डे वन पे आप, ये सबसे रिलैक्स जॉब होती है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन रिलैक्स आपको वक्त उस वक्त मिलता है जब आप किसी चीज में आप अपने आप को एक्सपर्ट मनवा चुके होते हो, ठीक है ना? देखिए अभी मुझे उस बंदी ने क्यों, मैं आप अपनी शो नहीं मार रहा, जस्ट मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर उस बंदी ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, उसको मेरी सीवी में सिस्टम एंड स्टोरेज जो है डेफिनेटली नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, वो एक्सपीरियंस ही नहीं था, लेकिन मैंने इंटरेक्शन किया वह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, मुख्तलिफ डिप्लॉयमेंट्स में विद द सिस्टम एंड स्टोरेज गाइज एंड वीएमवेयर गाइज, तो मुझे पता है कि ऑपरेशनल टास्क उनकी होती क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं रियल टाइम में। तो इसलिए आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, आपको 5 साल की चक्की में पिसना पड़ता है, दैट इज मस्ट। उसके बगैर आप खान ऑफ दैट लाइन नहीं बन सकते। वो क्या उसका अल्लामा इकबाल का शेर था, वो एहसान साहब को भी मैं उस दिन बता रहा था, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं। आपको अपने आप को पहले काबिल बनाना पड़ता है किसी एक लाइन में। जिस तरह घोड़ा नहीं होता, घोड़े की जो वो साइड पे वो लगे होते हैं, नाल लगे हुए होते हैं, एंड ही मूव्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन पकड़नी है, उसके साथ बेसिक्स ऑफ अदर पकड़नी है, ठीक है? एंड यू मूव ऑन। इसके लिए बेहतरीन चीज ये है, देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, नेटवर्क की जो लाइन है ना, नेटवर्क्स, डेटा सेंटर, सर्विस प्रोवाइडर, वर्चुअलाइजेशन, इसमें आपको मल्टीपल चीजों का एक्सपर्ट बनना पड़ता है, या लाइक इंटरमीडिएट बनना पड़ता है, फिर आपको जाके कोई आपकी कदर करता है, ठीक है?
लेकिन जो सिक्योरिटी का बंदा होता है ना, वो उसको पढ़ना काफी कुछ डेप्थ में पढ़ता है, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी का पढ़ना पड़ता है। तो वेट सेक, सो आपने एक और बात पूछी थी, CISSP एंड सीसम एंड सीसा। ये भाई मेरे, ये उस वक्त करने की चीज है जिस वक्त आप 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस इन योर साइबर सिक्योरिटी फील्ड या नेटवर्क सिक्योरिटी फील्ड ले चुके हो। आप Day 1 पे भी कर सकते हैं, ऑडिटर या कंप्लायंस के बंदे आप बन सकते हैं, लेकिन मार्केट में मैं हूं, मुझे पता है, हम उन ऑडिटर्स को पीठ पीछे गालियां देते हैं जो कि नॉन टेक्निकल होते हैं, नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर और नॉन टेक्निकल ऑडिटर। टेक्निकल लोगों से हमेशा गालियां खाता है, अगर अगर सामने नहीं खाता तो मुंह पीठ पीछे जरूर खाता है। हम खुद देते हैं, मुझे पता है, मैं देता हूं, मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को गालियां देता हूं, मैं अपने, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल है, और मैं अपने ऑडिटर्स को गालियां देता हूं क्योंकि वो नॉन टेक्निकल है। जो टेक्निकल बंदा होता है वो कभी गाली नहीं खाता। देखें, ये सिंपल सी बात वो है, हो सकता है कि ये सिंपल सी बात ये है कि हुनरमंद जो है वो कभी भूखा नहीं मरता। लोहार को कभी आपने भूखा मरते देखा है? इलेक्ट्रिशियन को भूखा मरते देखा है? कभी आपने नानबाई को भूखा मरते देखा है? तंदूर पे जो बैठा होता, दे आर एक्सपर्ट्स। ठीक है, हमारे मुआशरे में वहां पे ये बहुत अजीब सी चीज है कि यार कोई बंदा जो है वो तंदूर पे रोटियां लगाता है। मुझे अगर आज पैसा यहाँ पे अल्लाह ताला दे दे यूएई में, सबसे पहले मैं जाके तंदूर लगाऊं। बेशक मैं वहां पे नहीं बैठूंगा, किसी अफगानी या किसी अफगानी को या वहां पे कोई जरूरतमंद नान भाई होगा उसको मैं बुला लूंगा कि यहाँ पे बैठ जाओ लगाओ, लेकिन मैं काम वो करूंगा। क्यों? दैट इज बिजनेस। तो स्टार्ट बेसिक से। खैर, हम बहुत दूर ना चले जाएं। आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो बताएं, देन वी रैप अप बाय 10-15 मिनट्स। एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन एल्स? क्योंकि नमाज का टाइम यहाँ पे पाकिस्तान में हो चुका है, तो आप रैप अप कर मगरिब लें ताकि, हाँ जी, 5 यहाँ पे नमाज को 10 मिनट 12 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो रैप अच्छा अप कर लें ताकि, क्योंकि आपको पता है मगरिब है। जी बस इन स्टूडेंट को एक बात कहनी है जी जी कि जी आपने जो इस डिस्कशन में सीखा है वो आपने अपनी इस ए मिसाल तो मैं बैठा हुआ हूँ, उधर से सज्जाद रजा साहब बैठे हुए हैं, तो हम क्यों बैठे हुए हैं? हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी 100 लोग होंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाज अराउंड 150 पीपल, लेकिन यहाँ पे 7-8 लोग हैं। यू पीपल हैव टू टेल अदर्स, क्योंकि हमारी लोगों का मिजाज बदल चुका हुआ है। हमारी कौम का मिजाज, अगर इस वक्त यहाँ पे हम एक कॉन्सर्ट चला रहे होते तो 150 तो क्या 1,050 लोग होते, लेकिन कॉन्सर्ट नहीं है तो देखे सिर्फ 7 या 8 लोग हैं। तो आपने ये मैसेज उन तक पहुंचाना है कि जी क्या हमारे, हमें करना क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हम डायरेक्शन लेस कौम बन चुके हुए हैं। तो काइंडली अपने बाकी दोस्तों को भी, अपने बैचमेट्स को ये चीज बताएं कि जहां हम जा रहे हैं, आपको जो कुछ भी बताया आज के लेक्चर में सज्जाद रजा साहब ने, दैट वाज द रियलिटी, दैट इज द रियल एक्सपीरियंस आई शुड से। तो अगर आप इसी हालत में मार्केट में जब जाते हैं तो फिर वहां पे कदर नहीं मिलती, बेइज्जती ही मिलती। तो आपने अब अगर अपनी कदर बनानी है तो आपने अपनी रवैयों को बदलना होगा। आप माशाल्लाह एक से एक बड़ा मोबाइल सेट खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको हर नई टिकटॉकर का पता होता है लेकिन आपको नॉलेज का नहीं पता होता, आपको स्किल्स, ये आपको बड़ा बुरा लगता है। तो ट्राई टू कन्विंस देम कि जी चेंज योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को चेंज करेंगे तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, आप अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे, आप अपने सबको, सबके लिए बेहतर होंगे। तो अगर फिर भी आप रैप अप करना चाहते हैं तो सजाद रजा साहब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
आर यू विद अस सजाद रजा साहब? जी आई एम ऑडिबल नाउ। जी तो प्लीज आप इसको अब वो कर दें, रैप अप कर दें अपनी सारी टॉक। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू इनवाइटेड मी। मैं बिल्कुल ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे मैं यूईटी के उधर मेन वीसी ग्राउंड में बैठा हूँ। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, साथ भी हम बैठेंगे और कैफेटेरिया में जाके समोसा चाट भी खाएंगे। एनीवेज इसमें सिर्फ एक चीज मुझे ये पूछनी थी इन मेरे बहन भाइयों से कि आप लोग नेक्स्ट अगर कोई इन डेप्थ एक प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, किस किस्म की होनी चाहिए, ताकि मैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ लोग जानने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी पे, वो आपको अच्छा लेक्चर दे सकते हैं। फिर यूरोप में कुछ मेरे जानने वाले हैं वो जो है वो सिस्को डीएनए वगैरह पे दे सकते हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया में जानने वाले हैं वो जो है वायरलेस सिक्योर वायरलेस पे दे सकते हैं, बेसिक नेटवर्क्स पे दे सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों की जो इंटरेस्ट हो बेशक वो आप शेयर कर दें ऑन द फेसबुक, और एहसान साहब से शेयर कर दें, वो मुझे डिलीवर कर देंगे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को वो शेयर कर सकूं। क्योंकि मैं एहसान साहब को पहले भी बता चुका हूँ, मैंने एक आध दो लोगों से बात की है, दे आर विलिंग टू डिलीवर, लेकिन वहां पे लोग जो हैं वो अगर विलिंग हो तो मैं डेफिनेटली अरेंज कर सकता हूँ इंशाल्लाह। आप लोग क्या ओवरव्यू लेना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट का या टेक्नोलॉजीज का, तो उस तरह जरूर अपनी फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, इट्स ग्रेट ऑनर टू बी स्पीकिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सिस्को फॉर यूईटी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैं जब भी अगर मैं जिंदा रहा तो इंशाल्लाह जरूर आई एम अवेलेबल इंशाल्लाह, और वेन एवर यू लाइक मी टू इन्वाइट। और हम वर्टिकल से रिलेटेड भी कोई सेमिनार्स जो है टेक्नोलॉजी, वर्टिकल टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड कोई हम सेमिनार्स जो है वो अरेंज कर सकते हैं इस तरह से। थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। यू वेलकम सर। सर आप बोल चुके हैं सर, टू बी ऑनेस्ट दिस वाज रियली ग्रेट सर, हमने बहुत कुछ सीखा सर, और सर फ्यूचर में इंशाल्लाह सर आपको टाइम मिले तो सर अपने फ्रेम रिले और एमपीएलएस पे सर अगर आप हम एक लेक्चर दे दे सर। अच्छा ठीक है, बेहतरीन है भाई, मेरे हो गया, सेट हो गया, डन हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल। ओके थैंक यू वेरी मच सजाद रजा, वी प्रे फॉर योर गुड हेल्थ, बी सेफ बी, एंड वी प्रे फॉर योर सक्सेस इन फ्यूचर। एंड उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट भी इस जो सारे का मकसद था वो इन स्टूडेंट को एक गाइडलाइंस देना, एक पाथ शो करना, उम्मीद करता हूँ कि इनको कुछ पाथ नजर आ गया होगा, एंड दे विल बी इंशाल्लाह मोर हैप्पी, एंड हम इस तरह के वो करते रहेंगे। आई विल बी इन टच विद यू एज वेल, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो हमारे पिछले 20 साल में हमारी बर्बादी हुई है कि अगर ये लेट करेंगे, मैं 20 साल पहले we were a few people who started with this computer system engineering department, at that time it was not a department but it was a center, and it was established by the electrical people. आपको yes. पता है जो इलेक्ट्रिकल के जो लोग हैं यहाँ पे इस वक्त, उनको शायद ये पता नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है ये किसी बाहर के बंदे ने नहीं बनाया हुआ, ये इलेक्ट्रिकल के दो लोगों ने बनाया हुआ है। सर नाम ले लें, नाम लेने सर नाम ले लें। तो वन इज इन मक्का यूनिवर्सिटी नाउ, ही इज अ प्रोफेसर, एंड अदर वन इज इन लम्स, सो डॉक्टर तारिक जुनून and Dr. Yahya, these were the people who did a lot of work to establish this new system. Usse pehle annual system tha. You are this center was the first one who introduced you the semester method, jo ke subah 8-9 baje shuru hota tha aur raat ke 9-10 baje tak chalta tha. लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे वो रवैये बदल गए हैं। अब किसी को अगर आप कहेंगे 5 बजे भी हम क्लास लेते हैं तो कहते हैं दा कम खबर ही नहीं। सर आपको मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं यूईटी का। मुझे नहीं पता अब नमाज कहाँ पे होती है, जो वीसी ऑफिस की तरफ कॉरिडोर जाता था यहाँ पे पहले नमाज होती थी सेंटर में, इलेक्ट्रिकल का स्टाफ रूम एंड वीसी ऑफिस के दरमियान में जो जगह है वहां पे नमाज होती थी।
मैं थर्ड ईयर में था, फाइनल ईयर में हमें याया साहब ने पढ़ाया था। जिस वक्त अनाउंस हुआ था कि याया, जब मैं थर्ड ईयर में था, याया साहब वापस आए थे, तो याया साहब जिस वक्त आए थे, आई डोंट नो अबाउट अदर गाइस, लेकिन मैंने दो शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे एंड आई वॉज वीपिंग। लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लाइक मैंने जो दो शुक्राने के नवाफिल रोते हुए अदा किए थे। सर कोई बहुत काम का बंदा आया है, लाइक टीचर्स आर ओके, लेकिन बहुत काम का बंदा आया है, तो मैंने बड़े शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे। एनीवेज थैंक यू गाइस, हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि ये दोनों लोग हमसे चले गए। इसी यूनिवर्सिटी में रहते हुए ही बिकेम द मेंबर प्लानिंग, डॉक्टर याहया वाज द मेंबर प्लानिंग, he was working with in Nawaz Sharif government, he was working with Ehsan Iqbal and then he resigned. Pakistan mein kaun resign karta hai aisi seaton se, he resigned and he went to Dhaka. To aap dekhein ki hum badkismat log hain, and aise Tariq Jadoon sahab hain, isi tarah ye abhi Mardan ke jo hamare VC bane hain, I don't remember his name, he was also in the electrical department, he is from Purdue. To hum badkismat hain ki humne acche logon ko lose kiya, humne unko izzat nahi, बदकिस्मत ये है कि हमने उनको इज्जत नहीं दी, बल्कि ऐसे ऐसे लोग भी हम मैंने इस यूनिवर्सिटी में देखे हैं जो कि इनको बुरा भला, लफ्ज गाली तो नहीं इस्तेमाल करूंगा मैं, कहूंगा बुरा भला कहते थे, क्योंकि वो काम की बात करते थे ना। तो आपने ऐसे लोगों का आपके साथ खड़ा होना है और इस नेशन को इसको ऊपर लेकर आना है इंशाल्लाह। सर नॉट टू बी पेसिमिस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह की नगरी में देर है अंधेर नहीं, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट ऑन द राइट पाथ। इन बच्चों के लिए मैं जस्ट ये कहूँगा कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब आपको पाकिस्तान छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉट फ्रॉम द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, सकून पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस आपके अंदर एक मोहब्बत जाग जाती है। लाइक पाकिस्तान के अंदर रहते हुए नहीं होता, लेकिन मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ, मुझे आज भी चांस मिले, लाइक मेरा एक फैमिली इशू है, लाइक माय पेरेंट्स आर 72 एंड 75 अल्हम्दुलिल्लाह, दे कांट ट्रेवल एक्चुअली, ठीक है, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान आ नहीं सकता। मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तान नहीं आया, आई डिडंट लैंड इन पाकिस्तान एनी एयरपोर्ट, मैं फ्लाई आउट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये हर एक की प्रॉब्लम नहीं है, या ये हर एक की सिनारियो नहीं है। बहुत सारे लोग, अगर मुझे आज भी कोई ऑप्शन मिले टू बी इन पाकिस्तान, ऑप्शन का मतलब जॉब ऑप्शन नहीं कह रहा मैं, लाइक मुझे फैमिली वाइज ऑप्शन मिले, आई विल गो बैक टू पाकिस्तान एंड आई विल सर्व माय कंट्री। देखिए पाकिस्तान जो है ना, जब तक क्यारी में सब्जी उग रही है और बकरी दूध दे रही है, तब तक पाकिस्तान मरता नहीं है, आप भूखे नहीं मर सकते। हाँ, आपको पैसा कहाँ चाहिए होता है, आपको लग्जरी मोबाइल के लिए पैसा चाहिए, आपको लग्जरी लैपटॉप के लिए पैसा चाहिए, आपको लग्जरी गाड़ी के लिए पैसा चाहिए। देखिए मेरे पास अभी जो फोन है, नोकिया का नोकिया 3 फोन है, एंड ये मेरे पास 2 साल से है, इसका कवर भी गंदा हो चुका है। दूसरा मेरे पास नोकिया का वो माइक्रोसॉफ्ट लूमिया पड़ा हुआ है, वो मेरे पास 3 साल से है। फोन आए जाए, मैसेज आए जाए, इससे ज्यादा बंदे को क्या चाहिए। इस पे भी टिकटॉक आता है, इस पे भी टिकटॉक आता है, 350-400 दिरहम 500 दिरहम का फोन है ये, बट इट वर्क्स। एनीवेज मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा, किसी की दिलाजारी करना मकसद नहीं है, लेकिन अगर आप अपने वही पैसे जो आप फोन पे या लग्जरीज पे लगा सकते हैं, तो वही आप ये जो आई लैब्स हैं इन पे $200 क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है ना। सीएच की आई लैब्स हैं, इन पे आप क्यों नहीं लगा सकते। तो ये है बस मैसेज ऑफ द डे, नेवर बी पेसिमिस्ट, ऑलवेज बी एन ऑप्टिमिस्ट। अल्लाह की नगरी में देर है अंधेर नहीं। पैसा सुकून नहीं है, पैसा लाइफ नहीं है, पैसा जरूरत है। पैसे को टोपी की तरह ना पहने, पैसे को जूती की तरह पहने, तो दोनों तरीकों से आपने पहनना है इसको। अगर आप सर पे रखेंगे तो ये
आपके सर का दर्द बनेगा, जूती की तरह रखेंगे तो जूती उठा के किसी वक्त भी मार सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। पैसा आनी जानी चीज है, इल्म इम्पॉर्टेंट है, आपका टेक्निकल स्ट्रेंथ आपकी इम्पॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ इंडिया के केरला से और तमिलनाडु से ऐसे लोगों को जिनका बाप जो है थरकान था और वो आईटी के हेड हैं, वो आप क्यों नहीं हो सकते, वो खान खवानीन ऑफ दी मर्दान क्यों नहीं हो सकते, यानी क्यों नहीं वो आईटी हेड्स हो सकते। यू हैव द रिसोर्सेज, जस्ट रिसोर्सेज को राइट पाथ पे लगाएं। चले सर 4:30 हो गए, मैं असर पढ़ता हूँ, आप लोग मगरिब पढ़ें, फिर इंशाल्लाह किसी दिन। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंशाल्लाह योर कंप्यूटर दिस एकेडमी इज ऑलवेज विद यू, दिस इज नॉट माइन, दिस इज योर्स एकेडमी, इट विल ऑलवेज बी सपोर्टिंग यू एंड अल्लाह हाफिज़। यहां नमाज का टाइम है, आपका भी नमाज का टाइम है, दुआओं में याद रखें हम सबको और इंशाल्लाह हम कांटेक्ट में रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Dilavis, Dilavis.